चलो आते एक नए दुनिया में अपने। सबसे पहले आप लोग सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लियर किए हैं आप लोग भाई, छोटा मोटा बात नहीं है, फाउंडेशन क्लियर किए हैं। आज तक जितना पढ़ा रहे थे इससे पहले स्टेट में, उन लोग के लिए एक वो था प्रावधान, पास हुए कि नहीं, बट अब काफी लोग यहाँ पास होके बैठे हैं, तो होपफुली अपने लोग का एक नया जर्नी है, तो इसको आराम से करना है। सबसे पहला डिस्क्लेमर आपको दे दे, नंबर वन डिस्क्लेमर, अब थोड़ा मस्ती मजाक कम हो जाएगा, फाउंडेशन में ज्यादा था, अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत सीरियस रहने का दरकार है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे। एक सिंपल सा बात मैं बताऊंगा सबसे पहले आप लोग को, आज के आप लोग का पहला क्लास है कोई भी सब्जेक्ट का, किनका किनका पहला क्लास है आज, पहला क्लास मतलब और कोई ट्यूशन नहीं स्टार्ट हुआ, ओके वेरी गुड। तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात कि सीए इंटर में एमसीक्यू भी है और नॉन एमसीक्यू पेपर्स भी है, तो वापस से एमसीक्यू आएंगे तो कोई दिक्कत भरा बात नहीं, और वो भी थ्योरी पेपर्स में, तो इजी है पास करना। अगर स्ट्रेटेजिकली जाए तो सीए इंटर हैज बिकम इजियर देन पास्ट 4-5 टर्म्स, रीजन बीइंग मार्क्स, मार्क्स भैया 100 नंबर का ही तो पेपर होता है ना, अब क्या हो गया है आपके लिए पेपर पैटर्न कर दिया है बहुत स्मॉल, भैया 100 नंबर का ही होगा बट ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8-10 मार्क्स। पहले क्या होता था मालूम, 16-16 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता, बना तो बना, नहीं बना तो 16 गया। अब क्या हो गया, 8-10 नंबर का क्वेश्चन आने के कारण अगर कोई पार्ट नहीं भी आता है तो या तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, इधर बैठ जाइए ना मैम, इधर आ जाइए, या तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा या तो कुछ तो राइट हो ही जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं, डन है आपको बात, ठीक है। हूबहू करवाते हैं आपको आपका नया दुनिया से। सबसे पहले यहां से यहां तक आने के लिए आपको जो स्ट्रगल लगा, अगर आपको लगता है स्ट्रगल लगा, स्ट्रगल था क्या, नहीं था, ठीक है, ऐसा इतना बड़ा कोई बात नहीं था, ये स्ट्रगल इतना कोई नहीं था, बट यहां पे बहुत स्ट्रगल होगा क्योंकि यहां से यहां का रास्ता बहुत ही टफ है, क्योंकि अब सब्जेक्ट हो गए 4-8, आपको मालूम होगा, यानी पहले था 4 सब्जेक्ट, अब हो गया है 8 सब्जेक्ट, और इस 8 सब्जेक्ट में भी आपको मालूम है वेरियस सब सब्जेक्ट्स है, मतलब ये लोग यहां पे भी आपको सब डिविजन करके नहीं छोड़ा। एक आइडिया होगा आपको 8 सब्जेक्ट में कितने ग्रुप्स है, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में टोटल कितने सब्जेक्ट्स है, 4, क्या क्या बताइए, जल्दी बैठिए ना, फाइंड योर सेल्फ अ प्लेस। अकाउंट्स है सबसे पहला, ठीक है ना, फिर सेकेंड एग्जाम लॉ होगा, फिर आपका एग्जाम कॉस्ट होगा, फिर आपका एग्जाम टैक्स होगा, ये है आपका ग्रुप 1 का पैटर्न। इनमें से लॉ और टैक्स में 30 मार्क्स एमसीक्यू है ईच, यानी कि लॉ में 30 नंबर का एमसीक्यू और टैक्स में भी 30 नंबर का एमसीक्यू। बट पता है टैक्स को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, क्या क्या, एनी आइडिया, वेरी गुड, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको जीएसटी जानेंगे आप खाली, ठीक कि नहीं, और लॉ को भी 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, पता है क्या, कंपनी लॉ और अलाइड लॉ। अलाइड लॉ में देयर आर 4 चैप्टर्स अगेन जो आप लोग पढ़ेंगे अलग से, तो कंपनी लॉ और अलाइड लॉ। तो देखिए सब डिविजन्स कितने निकल रहे हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है, 2-2 सब्जेक्ट है एक के अंदर भी, क्योंकि डीटी इज टोटली इन डिफरेंट टू आईडीटी, वो एकदम अलग बात बोलेगा या अलग बात बोलेगा, डन है। वैसे ही ग्रुप 2 में क्या आता है, अगेन अकाउंट्स, 2 बार अकाउंट्स है, दोनों का पहला पहला पेपर है, ठीक है। फिर क्या आता है भैया नेक्स्ट पेपर, आपको आइडिया भी है लाइन से कौन सा पेपर है, ऑडिट, ठीक है ना, अगला पेपर क्या है, ऑडिट। ऑडिट में अगेन 30 नंबर का क्या है, एमसीक्यू। फिर क्या आता है, ई आई एस एम, मतलब ये पेपर नाइटमेयर है भाई, मतलब इसमें खाली आपको कुछ नहीं करना है, बुक खोलना है, रटना चालू, बट देर इज अ प्रावधान अभी कि नए सिलेबस में जो नवंबर में आप लोग एग्जाम देंगे इसको थोड़ा इजियर किया जाएगा, पता नहीं क्या करेगा ऐसा, बट बोल रहा है इसको थोड़ा सा इजी कर देगा, सबसे इजी यही होगा कि इसको हटा दे, बट वो करेगा कि नहीं अभी तक मालूम नहीं, जहां तक होप ये है कि ईआईएस हटने वाला है, तो अगर ईआईएस हट गया तो वो कंप्यूटर वाला पार्ट गायब, सिर्फ एसएम पढ़ना होगा, विच इज इंटरेस्टिंग, डन, क्या
हुआ गेट के पीछे कौन है? आ जा, जगह तो मिल जाएगा, ऐसा क्या बात है, बाहर खड़ा रहेगा कहीं, बैठ, वर्चुअल नहीं खुलेगा, लाइव में बैठो। देन यस, इसके बाद अपना आता है आखिरी पेपर, यानी अपना वाला पेपर लास्ट पेपर है। कौन सा? एफएमएन इको। इधर भी दो सब हेड्स हो गए, एक एफएम और एक इको, मतलब देख रहे हैं एग्जाम अगर देंगे लगातार 16 से 17 दिन का एग्जाम होता है और ये एग्जाम 17वां दिन पड़ेगा, लाइन से आएगा तो ये एग्जाम 17वां दिन आएगा, तो मतलब 17 दिन बिना सोए आप लोग निकाल रहे होंगे या 3-4 घंटा सो रहे होंगे और लास्ट एग्जाम में जाके वो एनर्जी बहुत कम हो जाता है, जबकि ये पेपर सबसे इजी होता है। आप कहीं भी सुन लीजिए, सीनियर से यूनियर से, मतलब ये 8 सब्जेक्ट में सबसे इजी और स्कोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग बोला जाए तो लीस्ट है इसमें टाइम कंज्यूमिंग, हाईएस्ट स्कोरिंग। जल्दी बैठिए, रुकिए, अब आपको जगह दिलवाना होगा। एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, जल्दी बैठिए, नहीं खोलेंगे अभी वर्चुअल, नहीं खोलेंगे, देख मत हमको। हाँ, इधर भी बैठ सकते, थोड़ा तीन, अरे बैग हटाना, इतना मोटा बैग है तेरा, हटा, आज सिर्फ सुनना है, चिल करो। डन है यहां तक बात? ये पेपर है आखिरी और एग्जाम भी आखिरी, तो एकदम शांतिपूर्वक कर रहा होता है। भैया इसमें तो भी थ्योरी है, इकोनॉमिक्स और क्या एमसीक्यू है? ना, इधर कोई एमसीक्यू नहीं है, यानी एमसीक्यू सिर्फ ऑडिट और ईआईएस में है, 30 marks ईच। तो एफएम इको में कोई एमसीक्यू नहीं है। इको को लोग थ्योरी बोलते हैं, बट आपको मालूम है हम कितना बदतमीज है, शायद पता चल जाएगा थोड़े टाइम में, जितना लोग नहीं मालूम है, इको इज नॉट थ्योरी। अगेन, जैसे कि कोई भी चीज थ्योरी होता नहीं है, लॉ भी नहीं होता, अगर आपको समझ में आएगा तो याद हो जाएगा। तो ये चीज समझने का है, विच इज टोटली प्रैक्टिकल टू योर सिनेरियो, बिकॉज द टर्मिनोलॉजी इज नॉट इकोनॉमिक्स, द टर्मिनोलॉजी इज इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस। आपको पता होगा आपका पेपर का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस। तो फिनेंस समझने के लिए जो इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा वो पढ़ाया जाएगा खाली, तो वो डिमांड सप्लाई नहीं आने वाला है यहाँ, यहाँ वो पूरा इकोनॉमी से रिलेटेड बात आने वाला है। इकोनॉमी से रिलेटेड बात को आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते होंगे, जो आपका फाउंडेशन में नहीं था, पुराने सीपीटी सिलेबस में था, फाउंडेशन से हटा दिया, बोला फाउंडेशन में सिर्फ माइक्रो पढ़ो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटर में पढ़ाया जाएगा नवनीत मुंद्रा के द्वारा, ठीक है, बोला तो ठीक है। तो भैया इकोनॉमिक्स में 4 subjects है, 4 subjects आपको मालूम है क्या क्या? एनीवन? सबसे पहला नेशनल इनकम, दूसरा पब्लिक फाइनेंस, तीसरा मनी मार्केट और चौथा इंटरनेशनल ट्रेड। भैया चारों सब्जेक्ट हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आप लोग चारों सब्जेक्ट 4 books में पढ़ेंगे। देर आर 4 books ऑफ इकोनॉमिक्स विच यू विल गेट, 4 books। नंबर 1 book इज ऑन नेशनल इनकम, नंबर 2 book इज ऑन पब्लिक फाइनेंस, नंबर 3 book इज ऑन मनी मार्केट एंड नंबर 4th book इज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। 4 chapters, 4 किताब। ऐसा क्यों किए भैया? आप हैंडी रहेगा, आप कभी भी रास्ता में चलते चलते पढ़ सकते हैं, जो कि आप नहीं करेंगे, बट अपने ट्राई कर सकते हैं, और कुछ नहीं, उपाय है मेरे पास जो हम कर सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक्स का किताब आईसीआई द्वारा 400 पन्ने में है और उसको मैंने यहां पे करीब करीब 200 पन्ने में समअप किया, यानी 4 books मिला के कितना पन्ना है? 200। भैया 200 पन्ना पढ़ने से हो जाएगा? मजेदार बात, मैंने इस 200 को फिर 30 पन्ना में कर दिया, यानी कि रिवीजन जब करने लगेंगे ये 200 पन्ना को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई हैव समराइज्ड अगेन दिस 200 पेजेस इन 30 pages, यानी चारों चैप्टर 30 पन्ने में समराइज्ड है और 5 घंटा मैं सिर्फ बोला हूं रिवीजन के लिए, मतलब 5 घंटे का मेरा पूरा वीडियो है और उस 5 घंटे में इकोनॉमिक्स रिवाइज हो जाएगा। मतलब एग्जाम से पहले आप 5 घंटा तो देंगे इकोनॉमिक्स को 40 नंबर के लिए, तो सिर्फ वो सुन लेंगे तो काम हो जाएगा, जो इस बार वाले लोग करने वाले। मतलब मैंने 3 views दिया है उस वीडियो का, एक एग्जाम से पहले 2 बार, एग्जाम के दौरान 1 बार देखने के लिए, ताकि एक बार सुन ले तो वो अपने आप, बस हाँ लिखने का पैटर्न थोड़ा अपने आरटीपी एमटीपी से देखेंगे, ठीक है ना बात? भैया ये आरटीपी एमटीपी क्या बोले आप, गाली तो नहीं दे रहे ना? नहीं, सुनिए, आपको मालूम होगा सारे करिकुलम में पढ़ने के लिए आपको बहुत चीज चाहिए। सबसे पहला आपका टीचर का बुक, यानी टीचर जो स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करेंगे। सब बोलेंगे इज इट इनफ? नेवर, नेवर एवर, ना मैं बोलूंगा और अगर कोई बोलता है तो मानना भी मत,
मानना भी मत कि भैया ये बुक करने से हो जाएगा, ना हो सकता है हो जाए अगर पेपर इजी आ जाए, बट अगर कहीं किसी दिन घूमा सर तो भैया तैयार रहना है अपने को काफी चीज के लिए। क्या क्या चीज के लिए तैयार रहना है भैया, इसके बाद अगर कुछ करे तो क्या करे, नंबर वन थिंग शुड बी आरटीपी, जिसको क्या बुलाते हैं, रिविजन टेस्ट पेपर। आपको मालूम होगा हम लोग स्टे अहेड बैच चालू किए थे, ऑलरेडी दो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो लोग, जो आप लोग लास्ट में पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। यहां पे कई लोग का वो खत्म हो चुका है और दैट इज ऑफ 20 मार्क्स इन एफएम, 60 में 20 नंबर का सिलेबस मैंने ऑलरेडी खत्म करा चुका है स्टे अहेड में, और वो लोग उसका आरटीपी एमटीपी भी बना रहे हैं शायद, है ना, ठीक है, होप मिला। तो वो आरटीपी एमटीपी जो बना रहे हैं लोग, आपको तब समझ में आएगा कि यार और रिसोर्स है, अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में रेडी नहीं रहेंगे। तो भैया क्या करना होगा, सबसे पहले आरटीपी, देयर आर ओनली 5 आरटीपी स्टिल येट, ओनली 5 आरटीपी, मतलब 5 पेपर अभी तक निकाला गया है नए सिलेबस में, तो 5 आरटीपी अभी तक आया है, प्लस 1 कब आएगा, नहीं 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 मई में आ चुका है, जब आप देने वाले होंगे नवंबर में, होपफुली अगेन नवंबर में, मई, समझ में आ रहा है, मई इन नवंबर या फिर मई इन मई, जैसे आपको देना है दे देना। तो नवंबर में अगर देंगे तो 6 आरटीपी करके जाना होगा, और होपफुली यहां बैठे उसी लिए कि नवंबर में एग्जाम देंगे, तो यहां 6 आरटीपी करना पड़ेगा अपने लोग को, 5 ऑलरेडी साइट में है, एक और आ जाएगा। उसके बाद एमटीपी बोल के चीज होता है, जिसको क्या बुलाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर्स। ये ना हर टर्म में 2-2 ठो लाया जाता है और पुराना वाला उड़ा दिया जाता है, मतलब ये तो रिसोर्स कैटर करना होगा अभी से, मतलब आप सिर्फ सीनियर वाले बैच जो किसमें दे रहे हैं में उनका भी साइट में अपलोडेड है, 1 सेकेंड आने वाला है, तो वो दोनों आप पहले से डाउनलोड करके रख लेना, उल्टा पुल्टा चीज डाउनलोड करते हैं उससे अच्छा ये कर ले, ठीक कि नहीं, आई बुक होगा कुछ भी बुक होगा उसमें सेव कर ले भाई, तो वहां पे सेव करके रखना मॉक टेस्ट पेपर बोल के 2 इस टर्म वाला मे वाला, और आपके टर्म में अगेन क्या आएगा, 2 और, तो भैया पुराना वाला कैसे मिलेगा, पहली बात आप चाहते भी नहीं है मिले, और दूसरी बात अगर आपको चाहिए तो भैया आपके सीनियर से ही मिल पाएगा, यानी कि मेरे से भी मिल पाएगा, तो मेरे पास पड़ा है पुराना मॉक टेस्ट पेपर्स भी, सब डाउनलोडेड है पहले से, क्योंकि वो अब उड़ा दिया है आईसीआई पुराना वाला, तो अगर आपको चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं, बट वो तभी करने दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाए, आप मेरे को दिखाएंगे तो अगला रिसोर्स दूंगा, नहीं दिखाओगे आई विल नॉट गिव यू अदर रिसोर्सेस। तो यहां आपको मॉक टेस्ट पेपर मिनिमम अगेन 5 तो बनाना ही है, यानी 2 मई का, 2 नवंबर का, और 1-2 पुराना, 6 पकड़ लेते हैं, डन। नेक्स्ट भैया बस कीजिए, सॉरी क्या लिखाऊं, स्कैनर, ये तो था ही हथियार पहले भी, फाउंडेशन लेवल पे भी यही हथियार था अपना, भैया हम लोग तो फाउंडेशन बिना पढ़े आए हैं, ठीक, बट अगर कोई पढ़े हैं तो स्कैनर छुए होंगे, करीब करीब देखे होंगे कि भैया क्या पेपर आया था, कैसा पेपर आता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं भले ही 2-3 टर्म। तो स्कैनर में अभी तक कितना पेपर हुआ है भैया, ओनली 4 एग्जाम हुए नए सिलेबस में, ये 5वां होगा कब, मई में, तो आपको कितना देखना है, 5, भैया यहां भी प्लस 1 कर दीजिए, अपना एग्जाम में थोड़ी स्कैनर बनेगा, अपना एग्जाम तो मेन एग्जाम होगा ना, तो भैया 5 एग्जाम क्या देख के जाना है आपको, सुनिएगा मैं जगह बताता हूं आपको, एक तो वहां हटेगा मैम लोग के पास, हे भगवान क्या करे, एक और के लिए तुमको उठा के बैठा दे एक बार, रुक तुमको कहां पे बैठना है क्या, एक बार इंद्र को बुला बाहर से, एनीवन कहीं एडजस्ट हो सकता है हाथ ऊपर, ये देखो दूसरा के लिए बता रहा है कि यहां बैठ जाओ, यहां आ जाएगा, इधर आ जाओ, अब जो आए चेयर देके बैठाना, वर्चुअल मत खोलना, लाइव में बैठाना है आज मेरे को, डन। तो भैया यहां स्कैनर का 5 पेपर कम से कम बना के जाना है, भैया बस कीजिए अब तो नहीं और होगा। इसके बाद ब्रह्मास्त्र निकलता, बहुत तगड़ा ब्रह्मास्त्र है भाई वो, ये है श्याम द्याम दंड भेद। इतना करने के बाद भी अगर हासिल नहीं हो पा रहा है कुछ, तो लास्ट बुक इज फ्रॉम माय साइड पादुका। पादुका बोल के साउथ में एक किताब चलता है, साउथ पब्लिकेशन का किताब है, बहुत तगड़ा किताब है, फाउंडेशन लेवल पे भी मैंने कई बार करवाया है लोगों को। अगर ये बुक कर लेंगे ना तो समझ लेना
अपरंपार नॉलेज हो गया अब अपना। तो भैया यहां तक तो पहुंचने का हम लोग सोचे भी नहीं है एक बार, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। और यहां का भी ब्रह्मास्त्र का जो मेन मेन हिस्सा है सब मेरा इकट्ठा किया हुआ है कि ये सवाल बनाने से काम हो जाएगा। और इस पे मैं वर्क भी कर रहा हूं कि इसको अलग से टाइप करवा के आपको दे दूं ताकि आपको खरीदना ना पड़े, वो भी मैं काम कर रहा हूं। तो अगर ये रेडी हो जाता है तो ये आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, चैप्टर बद तब चैप्टर मिल जाएगा। बट उससे पहले इतना चीज तो कर लो, मैं इतना सोचे नहीं है पहला बात तो। और दूसरी बात टाइम कब है? सुबह से शाम तो क्लासेस में रहेंगे। कितने लोग का मॉर्निंग कॉलेज है यहाँ? मॉर्निंग कॉलेज सुबह सुबह हाँ कुछ भी हो, शिक्षा है तो एक्स वाई जेड हो, उससे क्या मतलब है? मॉर्निंग कॉलेज जाते हैं। अब ये कंडीशन जो आप लगाए ना भैया, तगड़ा चेंज कर दिया, हाथ नीचे हो गया, जाते हैं ठीक है, जो जाते हैं वेरी गुड। और उसके बाद इवनिंग कॉलेज किनका है? इवनिंग कॉलेज और जो जाते हैं, ओके काफी लोग ओके वेरी वेरी गुड। आप लोग का जीवन डैश है क्योंकि हाँ अब जैसे जो लगता है लगा देना, आप लोग का जीवन एकदम बेवकूफी है क्योंकि हाँ हाँ सही बोली। तो आप लोग का जो जीवन हो चुका है उसमें आप लोग को अब तो अब सिर्फ एक ही काम बचा है, घर आए बिना जूता चप्पल खोले सोना पड़ेगा क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे ना दिन भर में, तीन तीन आदमी दिखेगा, तीन तीन साइज का, तीन तीन बात बोलता हुआ, और उसके बाद चौथा में एक चार पांच पीरियड का कॉलेज चलेगा तो उसमें तो और चार रंग बिरंगे लोग दिखेंगे। तो भैया बहुत दिक्कत होने वाला है हम लोग को, 9-10 चेहरा देखेंगे दिन में, चार 9-10 लोग ज्ञान बांट रहे हैं और कुछ काम का नहीं। तो भैया जो भी चीज है अपने को उस सब चीज से उठ के रात को घर जाके मम्मी ये बोले या घर वाला ये बोले पढ़ाई कर लो तो मन में गाली नहीं आएगा घर के लिए भी एक बार कि बस। और सर लोग ये बोले कि नहीं घर जाके मेरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो और दुख कि यार ये लोग को अपना ही पढ़ा है, हम लोग का क्या। तो आपको हम बता दे स्ट्रगल इज ह्यूज। अब उससे अगर बचना है तो थोड़ा सा 2 घंटा कम सोना होगा और 2 घंटा जल्दी जागना होगा। तो मोटा मोटी अगर कर्ल डाउन करे तो बीच में 2-3 घंटे का नैप मिल रहा है हम लोग को, ठीक है ना, पहला बात। दूसरा बात कॉलेज का टाइम को यूटिलाइज करो सोने के लिए, कोशिश करो बाकी तो देखा जाएगा। 5 पीरियड में 2 का मिल जाए अटेंडेंस, 3 का गया ठीक है। और कोशिश यही रहेगा अपने लोग का कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है सेम डे कंप्लीट हो जाए। अगर ये प्रण ले लो आज, जो कि आप नहीं लेंगे, तो मैं सच्ची बता रहा हूं आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगा सीए इंटर का सिलेबस कंप्लीट करने में। और हर 4 चैप्टर के बाद, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर 4 चैप्टर के बाद, मेरा एक ही मानना है 4 चैप्टर, क्योंकि एवरेज में 12 से 15 चैप्टर होता है हर में, हर 4 चैप्टर के बाद ऑलवेज रिवाइज वो 4 चैप्टर का समरी और एक एक सम्स, वही आरटीपी एमटीपी खोलना। भैया इन सबको खोलना कब पड़ता है? मतलब आप तरीका तो बताएंगे कब पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यही कर लेंगे तो हम लोग समझते हैं हम लोग बलवान हो गए। तो भैया ये करने के बाद आपको तुरंत ये तो करना ही चाहिए, ये भले ही रोक लो और ये कर लो जब आप लोग रिवीजन कर रहे हो फर्स्ट टाइम। रिवीजन कब करते हैं भैया? एग्जाम से पहले क्या? नहीं, जब वही क्या बोला, 4 चैप्टर खत्म हो जाए। बट ये साथ साथ में कर लेना, ये आरटीपी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखा दिखाया हुआ समझ आ जाता है। आप कोई भी, अगेन मैं बोल रहा हूं, बार बार ऊपर वाले लोग से पूछिए, अपने सीनियर से, वो लोग एक ही बात बोलेंगे भाई जो ये कर लेगा ना उनको 32-40 मार्क्स देखा हुआ आ जाएगा। ज्यादा नहीं बोला, अप्रोप्रिएट मार्क्स बोला, 32-40 मार्क्स, पास मार्क्स ही है 40। तो अगर 40 नंबर देखा हुआ आ जाए एग्जाम हॉल में तो कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाएगा कि नहीं यार पेपर बना सकते हैं। तो आपको अगर ये कंटेंट बनाने कोई भी मना करता है ठीक है सुन लेना, क्योंकि पता है उनके किताब में ऑलरेडी ये कंटेंट होगा, मेरे में भी होगा, बट हम चाहता है ये प्रेशर में करना टफ लगेगा। अगर यही सम्स कहीं और दिखेगा ना हाथ कांपेगा, प्लस बनेगा नहीं, मेरा गारंटी। आप लोग खुद देख लेना, और ये लोग को करवाया था स्टेट बैच में, एक सम्स करवाया था, ये लोग बोला भैया क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है लास्ट टर्म का आरटीपी, 2 जन बना पाया क्लास में, 50 जन बैठे थे 2 जन बना पाए। तो भैया ऐसा कारण क्या हुआ? वही मैं बोलता हूं, एक लैक ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं।
थोड़ा सा कम रखो कॉन्फिडेंस और हमेशा ये चाहत रखो कि कुछ नहीं आता और सीखना, कर लोगे हो जाएगा। तो दुनिया में चलते हैं इन सब के, और इन सब का दुनिया में जो चलेगा वो मेरे से पूछ पाएगा। तो मैं हर दिन क्लास के 15 मिनट पहले मिलूंगा, 15 मिनट बाद मिलूंगा, और रात को 10:30 से लेके 12 बजे तक आप लोगों को जितना तंग करना मेरे को कर सकते हैं, फोन करके मैसेज करके भैया जवाब दीजिए, या फोन करके, या फिर हम आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके देगा या सॉल्व करके दे देगा। ये मेरा टाइम है जो मैं आपको दे सकता हूं और मैं दूंगा हर दिन, ठीक है। ये मेरा टाइम स्लॉट अवेलेबल है 10:30 से 12, फिर हम थोड़ा सैटरडे एग्जेम्प्टेड है, सॉरी, यस सही बोला, एक्सेप्ट सैटरडे, हाँ एक्सेप्ट सैटरडे, संडे इज ओके, संडे इज ओके, सैटरडे रात को मत तंग करना, बाकी दिन तंग कर सकते हो। हाँ, करवा रहे, एक सेकेंड चुप रहे, बोलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूं अपना सिलेबस, एफ एम एंड इकोनॉमिक्स। क्या इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया, कितने पेपर्स हैं, 4 चैप्टर, एकदम लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप। बचपन में पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत नेशनल इनकम, हमको भी मालूम है कैसा पढ़ा हुआ है, बट वही है, अब थोड़ा अपग्रेडेड मैनर में रहेगा क्योंकि फॉर फाइनेंस पढ़ने वाले, ठीक है ना। और 40 नंबर इज नॉट अ जोक, 60 नंबर का एफ एम है खाली और 40 नंबर का इको है, तो 40 नंबर इज अ ह्यूज नंबर। हर चैप्टर मतलब कितने नंबर का हो गया, 10, एवरेज में 10 से 12 नंबर या 8 से 12 नंबर के बीच में रहेगा, डन है। चलिए पेपर, आपको मालूम है कितने मार्क्स का आता है एग्जाम हॉल में, 120, वेरी गुड। कितने मार्क्स का आता है, 120 मार्क्स में एफ एम रहेगा 72 मार्क्स का, तो इकोनॉमिक्स कितने का हो गया, 48 मार्क्स का। समझ में आ रहा है आपको, 120 मार्क का पेपर होने वाला है, 20 नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन। करो तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं बचेगा, प्लस एक्स्ट्रा करके भी मत आना। तो भैया ये 72 मार्क्स में हमको कितना अटेम्प्ट करना है, 60, और 48 मार्क्स में 40। सबसे पहला बात, इस 72 में भी कुछ प्रैक्टिकल थ्योरी है क्या, हाँ एफ एम में भी थ्योरी है, बट मजेदार बात यह है 60 नंबर का प्रैक्टिकल है, 12 नंबर का थ्योरी है, और वह थ्योरी एक सेट रहेगा। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा ये क्या बोलना चाह रहा है, कि 60 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, 12 नंबर का थ्योरी वी कैन स्किप, क्योंकि वो ऑप्शन में रहेगा। अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं बनता है तो वी कैन ट्राई थ्योरी, तो ये एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है एफएम का थ्योरी। बचा इकोनॉमिक्स, भैया इकोनॉमिक्स में आप तो बोल रहे हैं पूरा प्रैक्टिकल, बट अगर आप थोड़ा अंदर का बात करें तो बताइए ना क्या है, 20 नंबर प्रैक्टिकल आता है, 20 नंबर मतलब समझ लो, प्रैक्टिकल मतलब सम्स में तो थ्योरी भी नहीं, सम्स आता है, नेशनल इनकम निकालने आता है और कई रेट्स निकालने आएगा जो एक्सचेंज रेट्स में आप लोग सीखेंगे, तो ऐसे कर करके मनी मल्टीप्लायर सुने होंगे कभी, मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो सब कैलकुलेट करने आता है। तो वो रहेगा 20 नंबर का क्या आपका प्रैक्टिकल, और 28 मार्क्स का क्या रहेगा थ्योरी। तो यहां भी 20 नंबर का आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल, सिर्फ 20 नंबर का थ्योरी करना होगा, और वो भी एकदम इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको मजा आएगा। ये पूरा पैटर्न जो आपको मैं समझाया, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, एनीवन सुने हैं कभी एफएम के बारे में, मेरे को जानना है कितने लोग सीएफए सोचे थे कभी बचपन में, बचपन में मतलब 11-12 में सोचे होंगे सीएफए करना है, एमबीए करना है, किनको किनको एमबीए करने का मन है, एकदम जेन्युइनली बताओ एमबीए करने का मन है, थे ना, आप तो थे ही, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, थे ही, एमबीए करने का मन है। अब पता है आप लोगों को एमबीए इन फाइनेंस करने का मन है, क्योंकि दूसरा वाला पता भी नहीं है क्या होता है, और वैसे आपको फाइनेंस भी नहीं पता, बट पता है अपने 12 में ही सोच लेते हैं सीएफए करेंगे, एमबीए करेंगे, बस पैसा आएगा, एक्चुअरीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट मैं जेन्युइनली बताऊं, इवन बिफोर नोइंग कि भैया ये फाइनेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वी आर थिंकिंग टू गिव सीएफए, कि भैया सीएफए दे देते, बहुत मुश्किल है बाबू ऐसा करना, पहले आपको इसका बेसिक समझना होगा और उसके लिए आपको गुजरना होगा सीए इंटर से। सीए इंटर एक ऐसा चीज है जो एक वर्सेटैलिटी के साथ आपको सिखाता है हर एक चीज, आपको दिख ही रहा होगा कितने टाइप्स के सब्जेक्ट है। ये करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आप लोग को या तो सीएफए या एक्चुअरीज या एमबीए करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं।
क्योंकि आज सिर्फ एक सीए से अच्छा ऑब्वियसली कोई अदर कोर्सेज भी करना है, और वो टाइम भी मिलेगा 3 साल का, जब आर्टिकलशिप करेंगे तो टाइम पास करने के लिए बीच में एक और कोर्स करेंगे, जरूर करेंगे। और मैंने लास्ट बैच वाले लोग को करवाया है और वो कर रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे वो ऋतिक खेतान जो रैंक 3 आया इस बार, ही इज गोइंग टू गिव सीएफए। और कितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे, विदुषी, अभिषेक, रौनक, सब लोग सीएफए। 3 जन एक्चुअरीज करने लग गया, प्रणव और 2-3 लोग हैं, यश गाड़िया ऐसे करके, और 6-7 जन एमबीए का तैयारी स्टार्ट कर दिया। अक्षत, बहुत लोग है, केशव, ऐसे कर करके लोग है। तो एवरीवन इज राइट नाउ हैविंग अनदर कोर्स स्ट्रीम आल्सो आफ्टर गिविंग इंटर। इंटर तक प्लीज हमसे मत पूछना भैया हम ये भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहां इतना टाइम लगेगा आपको कि आपको दूसरा चीज करने का दरकार नहीं है। कोई अदर कोर्स कर रहा है ऑलरेडी तो हाथ ऊपर, एनीवन ओवर है जो साथ साथ में कुछ पैरेलली चला रहा है? सीएस बीकॉम मत बोलना, बीकॉम तो मत ही बोलना, मतलब हम एकेडमिक के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नो वन, चलो बढ़िया। तो भैया अभी सोचना भी मत, इंटर के बाद हम सोचवाएगा जबरदस्ती, ठीक है? तब तक के लिए एक बार होल्ड में आइए, इसके दुनिया में लेके चलता हूं फाइनेंस। सबसे पहले कितने लेवल्स ऑफ जॉब होते हैं आपको मालूम है? जॉब या आर्टिकलशिप या जो भी करना होता है, देयर आर 3 लेयर्स। एनीवन, मैनेजमेंट वाइज जाए तो एक लोअर होगा, एक मिडिल होगा और एक अपर होगा, या फिर बोल लो टॉप होगा। भैया बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने जो छाती ठोक के बोलेंगे जब बन जाएंगे कि हम एक सीए है, नाम के आगे भी लगाएंगे 4-5 बार, और वो गेट के आगे भी लग जाएगा थोड़े दिन में, तो जब वो लगाएंगे ना सीए प्रीफिक्स एक, तो भैया हमको कहां नौकरी मिलेगा? इतना तो बड़ा काम किए हैं कि यहां तो नहीं मिलेगा, obviously नहीं मिलेगा। You will not get a lower level job. You will get a middle level job. मतलब आपको mid काम देगा, मतलब बीच में रहेंगे आप, lower के ऊपर रहेंगे but top के under रहेंगे। Being a chartered accountant. भैया यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? Experience. Middle में इतना काम कर लो कि तुमको promotion पे promotion मिलते मिलते तुम भी top level management में पहुंच जाओ। और दूसरा क्या बताइए? ऑब्वियसली अभी जो बोल रहा था, अदर कोर्सेस सीए के साथ अगर एड ऑन करोगे कुछ तो यहां मिलेगा। भैया टॉप मैनेजमेंट करता क्या है? मिडिल मैनेजमेंट करता क्या है? कुछ दिखा आपको? ये सारे आपके सब्जेक्ट्स है क्या? या तो कॉस्ट को मैनेज कर रहा होगा, या टैक्सेशन इश्यूज देख रहा होगा, या ऑडिटिंग का कुछ चीज देख रहा होगा, या लॉ का कोई चीज देख रहा होगा, या फिर अकाउंट्स का कोई चीज देख रहा होगा। बट टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? फिनेंस, पैसा क्या क्या करना है वो ये मैनेजमेंट करता है, टॉप मैनेजमेंट। भैया आर्टिकलशिप मिलता है क्या? आर्टिकलशिप हमेशा इसी सेक्टर में मिलता है, कोई को भी आर्टिकलशिप यहां नहीं मिलेगा, होता ही नहीं। There is no articleship in finance. There is only articleship in audit, tax, accounts, law, ये सब। तो भैया ये कैसे सीखेंगे? यही मैं बोल रहा हूं, दो ही तरीका है। पहले यहां घुसना होगा, यहां काम करते करते यहां जाना होगा, या तो कुछ ऐसा पढ़ाई कर लो कि सीधा यहां मिल जाए। इंटरेस्ट सबका यहां फाइनेंस ही होता है, बिना जाने। अगेन यहां आए हैं उससे पहले ये सोच के रखे हैं भाई फाइनेंस में कुछ करना है। अरे पता ही नहीं फाइनेंस क्या होता है, उससे पहले फाइनेंस में कुछ करना है, जानते हैं पहले कि ये होता क्या है, तब अपने आप इंटरेस्ट जागेगा। और एक बात तो मन में आ गया, टॉप मैनेजमेंट काम है मतलब कुछ तगड़ा काम है, कुछ तो तगड़ा काम। सीईओ सुने? सीईओ, सीएफओ, ये लोग होते हैं यहां, ये लोग होते हैं यहां। इन लोगों का सैलरी होता है करोड़ों में, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कंपनी में। तो यहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल है, और उसके लिए ये सब्जेक्ट जानना होगा विच विल टीच यू समथिंग और नॉट, कि भैया ये चीज कैसे कैटर किया जाए। अब आपको मैं बताता हूं ये फिनेंस होता क्या है। अभी बोला किसके बारे में पता करना है? पैसा। कितने लोग सुबह सुबह बस से आए हैं यहां? बस से, मेट्रो, मेट्रो, ओके, ऑटो रिक्शा, कुछ ऑटो या रिक्शा कुछ भी, ठीक है। अब आते हैं पैसे वालों के पास, उबर।
एनीवन ऊबर? नहीं, वही ऊबर मोटो जो भी कुछ भी, मोटो नहीं बोलूंगा, मोटो तो नीचे आ गया, नीचे आ गया। ऊबर मतलब गाड़ी वाड़ी में आए, अपना गाड़ी, एनीवन अपना गाड़ी, पापा का गाड़ी, यही तो आए एक जन। ठीक है ठीक है, अब बात करता हूं मैं कुछ बात करता हूं। आप लोग सुबह आने से पहले कुछ सोचे थे कि आज क्लास जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे, थोड़ा जल्दी निकलेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, सीट भी मिल जाए, देखे थोड़ा हरियाली वरियाली भी, उस हिसाब से पहुंचे थे यहां बहुत होप के साथ। अब सुनिए, जब आप लोग यहां पहुंचे, आपको एक बात समझ में आओगा, सुबह सुबह निकलने से पहले पैसा मांगना पड़ता है। आजकल तो आप लोगों को पॉकेट मनी मिलता है या फिर मुंह मांगा पैसा मिल जाता है, बट हम लोग के टाइम में नहीं था। वैसे तुम लोग का और मेरा टाइम ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा मत समझना हम बहुत पुराने हैं। ठीक है, पहला बात तो। दूसरा बात, फिर भी अगर हम बोले तो आप लोग जब आते वक्त सोचे कि आज पहला क्लास है, चलो ऊबर से चलते, या मस्त एसी में जाएंगे, जब गर्मी आएगा तब एसी एसी में जाएंगे, क्यों बेकार का बस बस में जाए, तब पता है आप पैसा मांगेंगे किससे जो आपको देगा, है कि नहीं? क्या पापा देंगे कि दादी देगी कि दादाजी देंगे कि मम्मी देगी? मम्मी देती है सब, मेरा लाडला जाएगा, प्यारा बाबू जाएगा, तो ये लोग अगर जाएगा तो ये लोग किस में जाए, आराम से जाए। बट पापा बोलेंगे अरे हम खुद बस से जा रहे हैं, तुम बोल रहे हो तुम ऊबर से जाएगा, और तुमको पढ़ने जाना है, हमको काम करने जाना है। आपको मालूम है ना, पापा लोग आराम, पैसा जितना भी हो जाएंगे बस में या ऑटो में, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो लोग के लिए वो ठीक है। अपने लोग बोलेंगे नहीं हम लोग ऊबर में जाएंगे। तो जब ये सब पैसा मांगना होता है, अपने किससे मांगते हैं? मम्मी से या दादी से, स्पेशल तो अफेक्शन दादी लोग के साथ होता है तो उन लोग से मांग लेते हैं। बट जब ऑटो रिक्शा से जाना है तो दिक्कत नहीं है, पापा दो तो 7 रुपया अभी जाना है, तो पापा भी पकड़ा देते हैं, हाँ ठीक है। तो आप क्या किए ना, जिस हिसाब से आपको पैसा जहां लगाना है उस हिसाब से आप क्या सोचे, किससे मांगे, किससे मांगे, ये दो काम किए आप इतने देर में पैसा के लिए। पहला क्या सोचे बताइए, सोचिए किससे जाना है, फिर क्या सोचे, जाना है तो किससे मांगना है। तो देयर आर टू थिंग्स इन फाइनेंस। नंबर वन सोचिए, मैं दो नाम बोलूंगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। नाम से क्या लग रहा है, पहले क्या आएगा, प्रोक्योरमेंट की इन्वेस्टमेंट, बट पता है पहले इन्वेस्टमेंट सोचा जाता है तो ही प्रोक्योरमेंट सोचा जाता है, जैसे अभी आप लोग किए। नाम से लगता है पहले प्रोक्योर करो फिर इन्वेस्ट करो, बट उल्टा साइकोलॉजी चलता है, पहले यह सोचा जाता है कहां पैसा लगाएंगे, उस हिसाब से सोचा जाएगा कहां से पैसा उठाएंगे। तो अगर कोई भी आपको दो फंक्शन कभी भी बोले ना, फाइनेंशियल मैनेजर का दो ही काम है, पहला कहां पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, दूसरा क्या, तो भैया हम लोग खुद फाइनेंशियल मैनेजर अभी तो करके आए हैं सुबह सुबह। यस यस, आप लोग सब फाइनेंशियल मैनेजर हो, आप अपना फाइनेंस मैनेज कर रहे हो, आपके घर में मम्मी अपना फाइनेंस मैनेज कर रही है कि डेली राशन कितना लाना है, उस हिसाब से उनको फोन करके कितना बजे बोलना है कि ये लाए। अपना मम्मी लोग भी बहुत होशियार होती है, पड़ा है राशन बट उनको क्यों बोल देती है, उनको मतलब समझ रहे हो ना, हाँ जी जी को, तो उनको अभी हम नया नया सीखा है ना, तो उनको बोल देते हैं कि ये ले आना, और उनको मालूम है कि वो 2 दिन डिले करेगा, तो उस हिसाब से पहले ही 2 दिन पहले बोल देते हैं कि इसको याद दिलाना होगा 4 बार तब तो जाके लाएगा। तो बस उस हिसाब से दे ऑल्सो डिसाइड कि कहां इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से कैसे प्योक्योर करना। एवरीवन इज अ फाइनेंस मैनेजर बट बेस्ड ऑन स्मॉल स्मॉल फंड्स। अपने लोग ये 7-10 रुपया का काम कर रहे हैं, मम्मी लोग 100-200 का काम कर रहे हैं, पापा लोग लाखों का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप भी जब काम करेंगे, आप भी लाखों का काम करेंगे, करोड़ों का काम करेंगे होपफुली। तो जब वो करोगे तो आपको ये जानना होगा कि पैसा कहां झोंकना है और पैसा कहां से उठाना। बोलो समझ में आ रहा है आपको मेरा बात? तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर बताएंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट, दो मेन फंक्शन है मेन, बाकी भी और होगा बट मैंने क्या कहा, दो मेन फंक्शन। और एक फंक्शन को बुलाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। क्या बुलाते हैं, सुनना क्या मतलब, अगर अपने कहीं पैसा लगाए हैं कहीं से उठा के, तो उससे कुछ रिटर्न भी कमाएंगे। जो रिटर्न कमाएंगे उसको क्या करना होगा, जहां से प्योक्योर किए थे उन लोग को जो देना है देंगे, बाकी क्या करेंगे, खुद रख लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स. और चौथा काम जो करता है फाइनेंशियल मैनेजर, दैट इज नथिंग बट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बनाता नहीं है, क्या करता है? एनालाइज. बनाने का काम किसका है? अकाउंटेंट. जो आप ग्रुप वन वन करेंगे, ग्रुप टू वन करेंगे अकाउंट्स. बट उसको चेक करके ये समझना कि भाई क्या आगे किया जाए जिससे ये चीज ठीक हो जाए, उसको क्या बुलाते हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो टोटल काम कितना हो गया? चार. पहला दो इंपॉर्टेंट, क्या क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, आखिरी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पता है ये चार टॉपिक पे आपका सिलेबस बना हुआ है. देर आर इन टोटल ओनली टू ओनली 10 चैप्टर्स इन योर सिलेबस. सिर्फ 10 चैप्टर, और वो भी मैंने ज्यादा से ज्यादा ब्रेक करके किया. ओनली 10 चैप्टर्स, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये देखिए, बुक मिलेगा आप लोग को भी, चिंता मत कीजिए. अल्लाह, कंटेंट उड़ा दिया. जिया नया बुक में कंटेंट ही नहीं दिया. ओ इंद्र बाबू, इंद्र भैया हमारे बहुत अच्छे आदमी है. आइए यहां से दिखाते हैं, इस बुक में है. नए बुक में कंटेंट ही नहीं आया, फोन करो उमंग को. ये देखिए कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं, 11, जिसमें से एक तो काटा हुआ दिख रहा होगा. क्या दिख रहा है काटा हुआ? लीज फिनेंसिंग दिख रहा है. लीज फिनेंसिंग इंटर लेवल में था नवंबर 19 तक, नवंबर 20, मई 2020, इस टर्म से इस टॉपिक को हटा दिया और कहां डाल दिया? फाइनल. बोला तुम फाइनल के लायक है, जाओ. नवंबर 19 तक जो आपके फ्रेंड्स थे या सीनियर्स थे वो ये चैप्टर पढ़े हैं, और 10 नंबर का एग्जाम में भी आया था नवंबर में. ये मई 2020 से हटा दिया सिलेबस से और बोला देगा भी नहीं. तो भैया आपके किताब में है क्या? बिल्कुल है. बगल में नंबर कितना लिखा हुआ है? 0. भैया क्यों रखे हैं आप? देखो भाई, ये ICAI है, ये कुछ भी कर सकता है, इससे बच के रहना पड़ेगा. तो मैं क्या है ना, अभी भी एक दो टर्म तक रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको अभी भी बुक में रखा हूं और पढ़ाऊंगा भी. भैया ऐसे मत कीजिए, प्लीज करने दो. तो ये एक चैप्टर है जो सिलेबस के बाहर होगा, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, ताकि आप लोग के कहीं आ जाए, जो मई में पता चल जाएगा आ रहा है कि नहीं, तो भैया तैयार रहेंगे अपने. बट बोल दिया ICAI ये चैप्टर हट गया है, देखते हैं क्या करता है मई में, उस हिसाब से अपने नवंबर के लिए डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, बचा कितना चैप्टर? 10. क्या क्या दिख रहा है आपको? पता है आप सारा चैप्टर का एक बार नाम पढ़िए, एक को छोड़ के आपके बाकी सब समझ में आ जाएगा नाम से. देखते हैं आपका कितना बुद्धि दौड़ता. सारा चैप्टर का नाम बस रीड कीजिए, एक को छोड़ के आपको सब का नाम का मीनिंग मोटा मोटी समझ में आ जाएगा. हाँ, ये बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा. चेक किया? कहीं पे नहीं आया. बात करो उससे, हमको नहीं मालूम, बुक वापस करके नया मंगवाओ. पढ़े क्या? कौन सा एक चैप्टर है जिसका नाम आपको अटपटा लगा? नहीं, वो तो फिर भी ठीक है. लेवरेज, ये एक वर्ड होगा जो एक बार समझ में नहीं आया, वही मैं बोलता हूं. एंड यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू हैव करियर इन फाइनेंस, और ये वर्ड ही नहीं मालूम अपने को. लेवरेज क्या होता है, होल्ड करना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अपने को ये सीखना है. ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब मोटा मोटी एक बार प्राइमा फेसी क्लियर हो रहा है. व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या लग रहा होगा? जो कैपिटल मतलब जो फंड्स के बारे में जो आप बात कर रहे हो, उसका कितना खर्चा लगेगा, फंड का कितना खर्चा लगेगा? तो ये किस टॉपिक से कंटेंट रिलेटेड है बताओ? तो चार नाम बोले थे, पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, और चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस. बताओ तो ये किस चैप्टर से कनेक्टेड? वेरी गुड, दिस इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. सब लिखवाऊंगा, पहले सिर्फ आप लोग जजमेंट करके हमको दो. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी में जो कैपिटल लगाया हुआ होगा उसका क्या क्या प्रपोर्शन रहेगा? जैसे आप जानते हैं ना, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो बताइए ये भी किस चैप्टर से रिलेटेड है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. ये पहला दोनों चैप्टर किससे रिलेटेड है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. लेवरेज इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैं आपको सिखाऊंगा जब इस चैप्टर पे आएंगे. ये अपना दूसरा ही चैप्टर होगा, पहले अपने ये पढ़ेंगे, फिर लेवरेज पढ़ेंगे, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है, फिर बताइए चौथा क्या दिख रहा है? व्हाट डू मीन बाय रिसीवेबल्स? अकाउंट्स में तो पढ़े हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कौन? डेटर्स, शॉर्ट में तो बोले तो जिससे अपने पैसा पाते हैं, है कि नहीं? तो इन लोग को क्या करना? मैनेज करना, बहुत जरूरी है. क्या ये करंट एसेट होता है? हे भगवान, ये सब बात कर सकते हैं ना आप लोग से? करंट एसेट्स होता है तो, है कि नहीं? तो इन लोग को क्या करना है? मैनेज, बहुत जरूरी है.
पैसा इन पे अटका हुआ रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको मैनेज करना, मतलब ये भी एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि कैसे डेटर वेटर को मैनेज किया जाए। फिर क्या दिख रहा है, तो नाम ही समझ में आ रहा होगा, रेशियो एनालिसिस, ये भी क्या है, पूरा का पूरा एनालिसिस। वर्किंग कैपिटल सुना हुआ, क्या होता है वर्किंग कैपिटल बताइए तो। वेरी गुड वेरी गुड, जो डे टू डे ऑपरेशन में काम आता है, जिसका आप लोग फॉर्मूला बचपन में सीखे थे, CA माइनस CL, याद आ रहा होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, सीखेंगे, ये भी सीखेंगे। ये नेक्स्ट क्या दिख रहा है, कैश बजट और कैश मैनेज करना, ठीक है, ये भी मैनेजमेंट के ऊपर हो गया। फिर क्या दिख रहा है, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, क्या लिख रहा है, कैपिटल बजट करना, यानी अब क्या किए, जो प्रोक्योर किए थे उसको कहां एलोकेट करे, यानी ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड मतलब क्या होता है, पैसा जो वापस आया, यानी ये किससे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। लीजिंग हट गया। लास्ट क्या है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो ये दोनों सेम है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस मतलब क्या होगा, जहां रिस्क आता है वहां क्या आता है, अनसर्टेनिटी, जहां अनसर्टेनिटी आता है वहां क्या आता है, प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में क्या है, पूरा प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना। ये चैप्टर और ये चैप्टर मिला के 20 मार्क्स का है, यानी कौन सा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, कितने मार्क्स का है, 20। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड 20 से लेके 15 से 20, और अदर क्या था बोलिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड 5 मार्क्स और एनालिसिस बाकी का मार्क्स। यानी ध्यान रखना है अपने लोग को कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सेक्शन, मोटा मोटी सेम मार्क्स का है, डन है। ये 20 नंबर ऑलरेडी स्टे अहेड वाले लोग का हो चुका है, बट अब अपने चालू करेंगे यहां से, तो वो लोग अभी कंप्लीट कर देंगे। भैया सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, स्टे अहेड वाले लोग का 15 जुलाई, और नॉर्मल जो अपने कर रहे हैं, जो चल रहा है, उनका 15 अगस्त, आजादी मिल जाएगा। मेरा हमेशा यही फिक्स रहता है, भैया आप डेट कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैं कोशिश यही करता हूं, और हर टर्म अभी तक तो यही चल रहा है, 15 तारीख लास्ट डेट होता है मेरा, लास्ट दिन क्लास करवाऊंगा 15 अगस्त को, मस्त हम चोला कुर्ता में आएंगे और आप लोग को आजादी दे देंगे, खत्म। तो ये 14-15 तारीख को अपना लास्ट क्लास होगा, अपने पीछे वाला पार्ट करेंगे पहले, ठीक है। किनका किनका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का कॉलेज में, अभी कई लोग बोल रहे थे मेरा कॉलेज में एग्जाम है, जेवियर्स वाले लोग का है कि नहीं, तो अगर आपको वो जो 4 चैप्टर जो आपके सिलेबस में है देखना हो, तो वो आप देख सकते हैं, वीडियो में चलवा दूंगा, आप अपना अपना टाइम बता दीजिएगा, उस टाइम पे चलवा दूंगा, ठीक है। लाइव क्लास भी होगा, बट अगर आपको कॉलेज के लिए करना है तो आप अभी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था मेरे तरफ से पूरा बातचीत। अब मेरे को एक बात बताइए, आपको समझ में आया प्रोक्योरमेंट और क्या है एक इन्वेस्टमेंट, कौन सा डिसीजन बढ़िया मेन है, अगेन बताइए कौन सा डिसीजन मेन है, अगेन दोनों मेन है, बट पहले कौन सा सोचा जाएगा, तभी सोचा जाएगा कहां प्रोक्योर करें। ये नवीन क्लासेस बनने से पहले हम लोग भी तो कुछ सोचे होंगे कि भाई जॉब कर लेते हैं पैसा आएगा। आपको मालूम है अविनाश संचेती जब ऑल इंडिया रैंक 3 लाया था CA फाइनल में, सुबह 9:10 में उसके पास फोन आया था ICAI से कि ऑल इंडिया रैंक 3 है, और विद इन 1 घंटा में सबको पता चल गया था, और 2-3 घंटा बाद कंपनियों से फोन आने लग गया कि आप आ जाइए इंटरव्यू देने, आपका भारत में 3रा स्थान है, समझ रहे हैं, भारत में 3रा स्थान। तो जब कॉल आने लगा, वो आदमी एक ही बात बोला, पैसा नहीं सुना, वैसे सुना, बट फिर बोला सर नहीं, सर इंटरेस्टेड नहीं। बोला क्यों, बोला कोई मेरा वेट कर रहा था 6 महीना से, अब हमको वहीं जाना है, अब वो कोई हम थे और कोई नहीं, हाँ हम ही थे, क्योंकि हम मई 2015 में जब क्लियर किए थे, वो नवंबर 2015 में क्लियर किया था, अभी तक रैंक क्लियर क्या किया। तो जब वो क्लियर किया तो आई वेटेड फॉर 6 मंथ्स, हम बोला हम जॉब वॉब करेगा नहीं, देख भाई कोई मतलब नहीं है करके, हमको चुपचाप पढ़ाना है, हम तैयारी करता है अपना नवीन क्लासेस के लिए, तुम तैयारी कर अपना फाइनल के लिए, और जैसी तेरा हो जाएगा अपने मिलके स्टार्ट करेंगे। तो जैसी रैंक 3 आया, एक यार होप बढ़ता है यार, इतना बढ़िया मार्क्स, इतना बढ़िया नौकरी, आपको मालूम है 32 लाख का नौकरी का आया उसके पास BCG से कॉल और आदित्य बिरला से कॉल, और 45 लाख तक का आया, बट वो एक ही बात बोला, ना नहीं करेंगे। इसका 2 कारण है, पहला तो इमोशन जो अटैच था, दूसरा उसको मालूम है उससे ज्यादा
यहां कमा लेंगे, ऑब्वियसली सब अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख के काम करता, तो उसको मालूम था कि यहां अगर आएंगे तो उससे ज्यादा कमा लेंगे, भले ही एक दो साल लगेगा स्टैब्लिश होने में, बट फिर बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन एक अलग ही रिटर्न देता है और जॉब एक अलग ही रिटर्न देता है। तो वी ऑल्सो डिसाइडेड समथिंग और नॉट कि भाई ये करने से पहले कुछ सोचना होगा। हम अपने बारे में तो बताया नहीं, वैसे मालूम ही है, बट छोड़ो वो सब बात, बट जैसे ही करते थे तो एक ही बात सोचते थे, भाई जॉब में जाएंगे तो 20-22 लाख रुपया मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो सब करने से अच्छा ये करते हैं जो मन है। तो ये सब पहला साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। दूसरा क्या सोचते हैं कि यहां जो फंड्स लगाएंगे और उससे जो सामने प्रोक्योर करेंगे और रिटर्न कमाएंगे वो बहुत हैवी होने वाला। तो व्हेन वी स्टार्टेड नवीन क्लासेस इन मार्च 2016, मार्च 2017 में, 16 में हम लोग स्टार्ट किए थे 7 मार्च को, तो 7 मार्च 2016 में जब हम लोग स्टार्ट किया, हम अपने पिताजी के पास गया, बोला पिताजी रुपया चाहिए। बोला क्यों? हम बोला पढ़ाएंगे। तो बोला ठीक है। सच्ची मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पापा को ये भी नहीं पता कि हम क्या क्या करता है, उनको अभी पूछ लो फोन करके कि ये क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, उनको नहीं मालूम। तो जब हम बोला कि हमको पढ़ाना है, बोला ठीक है पढ़ा लेना। तो बोला रुपया चाहिए? बोला तेरे पास नहीं है? बोला 10-12 हज़ार होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, सेविंग्स भी अपने तो उड़ा देते हैं सब। तो बोला कितना चाहिए? हम बोला देखो 3-4 लाख रुपया चाहिएगा स्टार्ट करने के लिए, 1.5 लाख अविनाश लाएगा, 1.5 लाख हम लाएगा। बोला ठीक है हम दे देंगे। हम भी बहुत खुश, चलो पापा मान गए, बट एक कंडीशन रख दिया। क्या? देख भाई दूसरा को देते तो 12% ब्याज कमाते, तुमको दे रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम विद्या को छू के बोल रहे हैं, तुमको दे रहे हैं तो चलो तुम अपना बेटा है, इसीलिए तेरे को 6% में दे रहे हैं। हम बोला चलो दया तो की है अपना बोल के, बट 6 लगाया। हम बोला 6% ब्याज मतलब आधा टका महीना, आपको समझ में आता होगा ये सब भाषा, आधा टका महीना, 1 टका महीना, तो आधा टका महीना। हम बोला ठीक है देखते हैं, कर देंगे आपको वापस दे देंगे। तो ले लिया, स्टार्टेड, और पता नहीं पहला ही बैच फाउंडेशन स्टार्ट किए, वी स्टार्टेड विथ कहाँ गया, इसका बड़ा भाई था ओन, तो इसका ओन बड़ा भाई था, वो लोग के साथ हम लोग स्टार्ट किया था, वी डिडंट न्यू एनीवन। तो पहले मेरे आए थे 17 जन एडमिशन लेने आए थे हम लोग के फाउंडेशन में, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उसी टर्म में 51 हो गया था एग्जैक्ट फर्स्ट बैच में। तो मतलब मोटा पैसा आया है भाई। तो पैसा जब आया तो वापस पापा को देने गए विथ ब्याज, 6 महीना में जब कोर्स कंप्लीट हुआ विथ ब्याज चुका दिया विथ ब्याज। तो पापा बोला वेरी गुड, आगे से जब लेगा तब 12 लगेगा। ये तो अच्छा मजाक हुआ, हम तो सोचा बोलेंगे आगे से जब लेगा लगेगा ही नहीं, आगे से जब लेगा तो 12 लगेगा। ठीक ठीक बताएंगे आपको भी, कभी बूढ़े होंगे ना तो हम भी बताएंगे। तो ऐसा बात हुआ तो बोला ठीक है कर लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। वही अविनाश के साथ भी वो बोला, पापा बोले ऐसे करेंगे, तो वो भी अपना पापा को जितना कमाया था वो भी वापस कर दिया। तो हम लोग बोला 6 महीना में तो अपने रिटर्न कर लिए। फिर जब 2017 में हम लोग यहाँ आए, पहले हम लोग गिरीश पार्क में एक छोटा सा 35 जन का जगह था, उधर 2 बैच पढ़ाते थे, 15,000 रुपया रेंट लगता था। फिर हम लोग ये जगह लिए। अब यहाँ क्या हुआ, बेंचेस बनवाना पड़ा, एसी लगवाना पड़ा, तो फिक्स्ड एसेट्स का दरकार पड़ा, तो और प्रोक्योरमेंट का खर्चा बढ़ा। तो फिर क्या चाहिए, पैसा। अपने किसके पास जाएंगे, पापा, क्योंकि बैंक फैंक से लेंगे तो ज्यादा पड़ जाएगा, और कौन मेरा बैलेंस शीट देख के मेरे को लोन देगा, बैंक वाला भी लोन ऐसे नहीं देता, बैलेंस शीट देख के देता। तो हम मांगेगा, मेरे को बोलेगा गारंटी लाओ, हम किसका गारंटी दिखाएंगे, पापा जानते ही नहीं है इसको, पापा तो यही बोल देंगे जानते ही नहीं है इसको, और तुम गया कैसे वहां, हम था तो बस मेरे को लेना किससे पड़ा, पापा से ही, ना दे दो ना। बोला कितना चाहिए इस बार? हम बोला थोड़ा बहुत सेविंग्स इस बार 50-60 है, मोटा मोटी इस बार हम लोग को 10 लाख रुपया लगाना है, तो 5-5 लगेगा। तो हम बोला ठीक है आप एक बार 5 ही दे दो, 50 हम खर्चा कर देगा अपना। तो बोले ठीक है। हम बोला सच्ची सच्ची बताओ कितना ब्याज लगेगा? बोला बोला तो था तेरे को। बोला प्लीज मार्केट थोड़ा ठीक चल रहा, तो 10 में किए इस बार, 10% ब्याज में दिए, और इस बार 8 महीने बाद मैंने उनको विथ ब्याज चुकाया था। 2017 में 8 महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ था मैंने उनको चुका दिया था। तो अब वो थोड़े इंप्रेस्ड रहे, और फिर अभी क्या लिए, एनजी में जगह, फिर क्या लगेगा पैसा, फिर प्योक्योर करना होगा, बट इस बार भगवान के दया से मेरे पास है। तो हम बोला इस बार है हम लोग का, तुम लोग का फीस प्रीपेमेंट आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग बोला हम लोग इस बार पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए इस बार, अब की हमको ब्याज में नहीं चाहिए। बट एक चीज सीखे उस दिन,
कि भैया पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है, पैसा के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो। जब मोटा पैसा मांगते हैं ना तो एवरी वन इज अ स्ट्रेंजर, एंड वेन देर इज अ स्ट्रेंजर थिंग देर इज अ रिस्क थिंग, और जहां रिस्क आता है वहां आपको थोड़ा रिटर्न चाहिए चाहिए, अदरवाइज आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। तो अपने कंसेप्ट सीखे होंगे बचपन में, सुने होंगे, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भैया ये गलत सुने हम लोग? हाँ, सही लाइन बोल रहा हूं, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों में बहुत भारी डिफरेंस है। रिस्क लेने से रिटर्न आएगा जरूरी नहीं है, रिस्क लेने से ये सोच रहे हैं कि रिटर्न आएगा, तो सभी रिस्क लेके रिटर्न कमाने लगे, बट रिस्क लेने से रिटर्न आता ही आता है कि सोचते हैं आएगा, सोचते हैं आएगा। अब वो आएगा कि नहीं वो तो डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। अब सपोज ये बिजनेस डूब जाता, कल को हम नहीं पढ़ा पाता, अच्छे से नहीं पढ़ा पाता, या स्टूडेंट्स नहीं आता, तो वो रिस्क जो लिए उससे क्या आया, रिटर्न आया कि नहीं आया? नहीं आया, उससे अच्छा तो हम जॉब कर लेते। तो रिस्क लेने से रिटर्न आता है जरूरी नहीं है, रिस्क लेने से रिटर्न आएगा ये हम सोचते हैं। अब वो आएगा कि नहीं वो सब डिपेंड करता है तुम्हारा ऑपरेशंस पे। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ये एनालिसिस भी, प्रोक्योरमेंट भी और इन्वेस्टमेंट भी, अदरवाइज तुम फाइनेंस नहीं सीख सकते। बोलो डन हो रहा है आपको मेरा बात? अच्छा ये सब कर क्यों रहे हैं, अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वर्ड, हमको चाहिए धन, वेल्थ। आपको एक डायलॉग सुने होंगे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है ना, और वो क्या बोलता है, मेरे पास माँ है, क्या करेगा माँ का? मतलब क्या वो भी एक दिन यही बोलेगी, घर कहाँ है, खाना कहाँ है, तुम हमको रख के भी क्या कर लेगा? तो भैया घर, मोटर, गाड़ी, बंगला चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? अल्टीमेटली माँ को भी वही चाहिए, तुम माँ लेके क्या कर लेगा? तो डायलॉग सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर एक्चुअली जाने तो ज्यादा अच्छा वो सामने वाला था कि भाई कम से कम उसके पास घर, बंगला, गाड़ी है, मां भी उधर भाग जाएगी थोड़े दिन में, तुम रहन दे। तो अपने लोग को ना प्रॉफिट कमाना इच्छा नहीं है, अपना इच्छा क्या है मालूम, घर हो, गाड़ी हो, अपने नाम पे सब चीज रहे, यानी वी वॉन्ट वेल्थ क्रिएशन, नॉट प्रॉफिट क्रिएशन। तो भैया एक ही तो बात है, पैसा प्रॉफिट आएगा तो ही तो वेल्थ आएगा, नॉट नेसेसरी। लेट मी गिव यू अ ग्रेट एग्जाम्पल, आप लोग सुने होंगे अभी ये ई कॉमर्स बहुत चल रहा है, अभी क्या हम लोग के टाइम, वही फिर मेरा टाइम पुराना नहीं है, बट बता दे कि मेरे टाइम से ही ये सब चीज स्टार्ट हुआ था। हम लोग तो बहुत चीज देख लिए, 90s वाले बच्चे आप देखते होंगे, मीम्स वीम्स भी आता है, हम लोग फ्लॉपी भी देखे हुए हैं, सीडी भी देखे हुए हैं, पेन ड्राइव भी देखे हुए हैं, सब कुछ देखे हुए हैं। बट आप लोग को एक बात बता दे कि ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उस दौरान अपने को एक बहुत अच्छा चीज देखने मिला, इंटरनेट, और दूसरा ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स में सबसे बढ़िया साइट चलो पकड़ लेते हैं फ्लिपकार्ट। एक बार आप फ्लिपकार्ट का प्रॉफिट खोल के देखेंगे ना, हर क्वार्टर का या हर मंथ का नेगेटिव है, नेगेटिव लॉस, ह्यूज लॉसेस। बट उसका वेल्थ देखोगे ना, वेल्थ मतलब बैलेंस शीट देखोगे, या उसको गुडविल देखोगे, या उसको खरीदने जाओगे ना, बिलियंस में बिकेगा वो। व्हाट्सएप बिका था याद है ना अभी थोड़े दिन पहले, अभी फेसबुक उसको भी खरीदा, इंस्टाग्राम को भी। तो इन लोगों का है क्या औकात, क्या ये लोग क्या किए, इनका कोई प्रॉफिट है क्या? ना, नॉन प्रॉफिट है और नुकसान है। अब ये खरीदा क्यों? क्योंकि इनका वेल्थ है। भैया कंपनी या फिर कोई भी कॉमोडिटी का वेल्थ किससे समझ में आता है, आप बताइए, आपको कैसे समझ में आएगा कि ये वेल्दी कंपनी है? वेरी गुड, एक वर्ड बोला कोई, शेयर मार्केट, उसका क्या शेयर प्राइस। कंपनी का वैल्यूएशन किससे होता है? शेयर से। अपना वैल्यूएशन किससे होगा? अपना, कि मेरे नाम पे क्या क्या है। जैसे मेरे को मालूम है मेरे नाम पे गद्दी है, एक ठो ये है, वो है, तुम लोग भी पता कर लेना, पता ना, पिताजी अपने लोग को बहुत यूज करते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, और कोई काम के नहीं है, अपने दो ही काम के हैं, पहले भी बोला था, एक टैक्स बेनिफिट, दूसरा इंश्योरेंस। तुम्हारा इंश्योरेंस कराएंगे जिस दिन तुम सल्टोगे, जल्दी से जल्दी अगर हो जाओ तो उनको एक लम सम अमाउंट मिलेगा, वो उसी लिए तुम्हारा इंश्योरेंस करवाए हैं। तो तुम लोग दो काम के हो, पहला टैक्स बेनिफिट के काम आते हो अभी, और दूसरा तुम लोग काम आते हो कि इंश्योरेंस के। तो भैया अपना टैक्स बेनिफिट होने के लिए पिताजी तुम्हारे नाम पे ऐसे नहीं किए कि तुमसे प्रेम है, इसलिए किए क्योंकि उनके अकाउंट में अगर लेगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा।
तो इसीलिए वो तुम लोग के अकाउंट में कई चीज खरीद लेते हैं। तो अपना वेल्थ वही है जो अपने नाम पे है, और वैसे ही कंपनी का वेल्थ किससे झलकता है? उसका शेयर प्राइस से। आज अगर कोई खरीदने जाएगा उसको, तो उसका शेयर प्राइस देखा जाएगा, विच इज हाई। तो कोई खरीदने जाएगा तो वेल्थ अच्छा। तो अपना पहला मोटिव क्या होने वाला है? वेल्थ क्रिएशन। सेकेंड मोटिव क्या होगा जो तुम लोग बोला? प्रॉफिट। चलो वो भी कमा लेंगे, बट मैं बता दूं वेल्थ क्रिएट का एक रीजन क्या है? प्रॉफिट बनाना। क्या बोले? एक रीजन, द सोल रीजन नहीं बोला। देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो टू क्रिएट वेल्थ, बट वन ऑफ द रीजन इज प्रॉफिट। तो चलिए नटशेल में बात करते हैं वापस से। सबसे पहले बताइए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर क्या हो गया? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा, फंक्शन नहीं। ऑब्जेक्टिव मतलब वो क्यों ये सब काम कर रहा है? वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और दूसरा प्रॉफिट बनाने के लिए। बोलो मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? और ये करने जो कर चाहिए उसके लिए क्या काम करते हैं? चट्टो, पहला प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, रिडिस्ट्रीब्यूशन, एनालिसिस। पहला दोनों काम का है, जो आपको थ्योरी अगर आया तो लिखना पड़ता है। लास्ट टू लास्ट टर्म आया था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, 4 मार्क। तो आपको दो ही पॉइंट लिखना था, पहला क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा इन, और अंदर अपना इंग्लिश जैसा टूटा फूटा है आपका लिख दीजिएगा। डन है बात आप लोगों को? चलिए लिखते हैं आज सारा बात। हेडिंग दीजिए कॉपी में FM। ठीक है, सबसे पहले FM, उसके ऊपर पेज नंबर 1। सुनिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता। क्या भैया? मेरे को सारे कॉपीज के पेज में नंबर चाहिए। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, तो आपको बता दें आपके घर में बहुत लोग होंगे जिनको ये करने में मजा आता है। जैसे मेरे को, मम्मी को बड़ा मजा आता था कवर लगाने में, शुरू में ये सब लिखने में, तो उनको दे देना अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो। बट आई रिक्वायर इन एवरी पेज पेज नंबर। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे आप? कॉपी का फर्स्ट पन्ना में एक इंडेक्स बोल के चीज होता है, आजकल हर कॉपी में देता है, ये सोचते हुए कि सब यूज करेंगे, बट अपने भी तो बहुत तेज है, आगे वो ओम साई ये सब नमा नमा लिख देते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं उससे अच्छा चलो वो भी लिख दो कहीं कोने में, बट उससे अच्छा सबसे पहले आपका यहां कंटेंट भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आज का डेट बताइए, 19th of February 2020। क्लास नंबर बताइए, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टॉपिक बताइए भैया, बेसिक्स, फर्स्ट क्लास। पेज नंबर 1 से लेके जहां तक आज टने, आई डोंट नो। अगर ये मेंटेन रहेगा तो हम बता दे बहुत काम आएगा, टर्म बाय टर्म। समझ में आ रहा है ना आपको? टर्म बाय टर्म लगेगा ये, तो दरकार रहेगा इस चीज का, तो इसको प्रॉपर मेंटेन करो। आपको नहीं तो जूनियर को लगेगा, बट लगेगा। तो ये टर्म तपा टर्म काम आएगा, और अगर मेंटेन नहीं रहा तो बड़ा दिक्कत होगा, और ऐसे भी दिक्कत होगा क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का 2 से 3 कॉपी बन जाएगा। तो आपको तैयार रहना होगा कौन से कॉपी में क्या है, कितने पेज नंबर में क्या है, कि बुक खुले तो कॉपी खुल जाए, कॉपी खुले तो बुक खुल जाए। मैं बुक खुले तो कॉपी खुल जाए कैसे होगा? जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन कराता हूं ना, मैं देखो कैसे लिखवाता हूं, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3। हमेशा अपने बीचों बीच लिखेंगे जो भी क्वेश्चन करते हैं, वरना आपका आदत क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 या इतना भी नहीं, आप तो 1 लिख के चालू कर देते हैं, है ना, कोने में लिखते हैं। कभी भी कोने में क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन लिखना हमेशा कहां चाहिए? कॉपी के बीचों बीच। और वहां क्या लिखना चाहिए? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज 3। पेज 3 किसका लिखाऊं? बुक का। बुक के पेज नंबर 3 में जाओगे, कहां गया? बुक के पेज नंबर 3 में जाओगे तो देखोगे आपको एक चीज मिलेगा। सपोज ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां क्या दिखेगा आपको? एक्सरसाइज बुक नंबर और बगल में पेज नंबर। क्या बोलना चाह रहा हूं कि कॉपी का पेज नंबर 1 में, कॉपी नंबर वन में पेज नंबर 2 में सपोज मेरा ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो जब बुक खुले कॉपी खुल जाए, जब कॉपी खुले
बुक खुल जाए। ये जिस दिन मेंटेन कर लोगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं वहां ये सब नहीं करके दिया, अरे तो क्या दिक्कत है, आप क्वेश्चन नंबर वन के आगे टिक करके 1.2 लिख देना, 1/2, 1/2 डिनोट्स कॉपी 1 पेज 2। अगर ये कर लिए हर सब्जेक्ट के लिए, आई एम टेलिंग यू सक्सेस दूर नहीं है आपके लिए, डिसिप्लिन आएगा। और पाने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए सीए क्लियर करने के लिए। डन है? थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि भैया टफ है, बट अगर रेगुलर आदत बन जाएगा ना, 3-4 हफ्ता बाद ही आपको लगेगा ये तो इजी काम है। स्टेट में काफी लोग किए हैं तो अब उन लोग के लिए थोड़ा इजी हो गया, बाकी आप लोग को भी अब इसको ट्रेंड बनाना, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करवा रहा था आप लोग को, बेसिक्स का पहला ज्ञान लिखवा रहा था। हेडिंग दे चुके हैं अपने क्या, FM। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, नंबर वन सिलेबस, सिलेबस रेडी एवरीवन, सिलेबस सिलेबस जान लेते हैं अपने को क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में। टू पार्ट्स क्या क्या बताइए, 8A 8B, पता ना 8A 8B क्या लिख रहा हूं, बोलो। पेपर 8A है ये, मतलब आखिरी पेपर, आठवां पेपर का फर्स्ट पार्ट फिनेंस FM, और ये है इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस। भैया इन दोनों का पेपर अलग अलग आएगा क्या? नो। तो भैया अलग अलग किस में आता है, डीटी आईडीटी का अलग अलग पेपर आएगा, टाइम 3 घंटा ही रहेगा, बट 2 आंसर शीट मिलेगा, 2 क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर 1 मिलेगा, आंसर शीट 2 मिलेगा। EISM में भी 2 आंसर शीट मिलेगा, EIS का अलग, SM का अलग, बट FM इको का एक ही पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए बट इसको डिवाइड किया गया है 8A और 8B में। ये कितने मार्क्स का है, 60, ये कितने मार्क्स का है, 40, बट देखा जाए तो कितने नंबर का आता है, 72 और ये 48। अटेम्प्ट अपने को 60 करना है 72 में और 40 करना है 48 में। मैं हमेशा ना 120 के हिसाब से बात करता हूं क्योंकि पेपर में 120 के हिसाब से आता है। अब अगर देखा जाए तो FM इज डिवाइडेड इनटू मेजरली 4 पार्ट्स, क्या क्या बताइए, अभी आपको बताया, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, सेकेंड वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। बोलते वक्त पहले प्रोक्योरमेंट बोला जाता है बट सोचते वक्त पहले इन्वेस्टमेंट सोचा जाता है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, और लास्ट विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एनालिसिस कि यार इसको कैसे मैनेज करे, उसको कैसे समझे, क्या करे आगे कि ठीक हो जाए कंपनी, यही सब। डन एवरीवन? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कितना टॉपिक सब डिवाइडेड है, 2, क्या क्या, COC CS, फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। COC मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, CS मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर। डन। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड में टोटल अपने 3 चीज सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे TVM, सुना है ये, वेरी गुड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपका फाउंडेशन में 12 से 15 नंबर का था, है ना, 12 से 15 नंबर का था। भैया ये चैप्टर क्या था, पहले इंटर में था, आप लोग के टर्म में फाउंडेशन में पटक दिया, तो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट हमको मालूम है कैसा पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम दोबारा पढ़ाते। मेरा 2 क्लास टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगता है, और मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ाया हुआ है, 6 क्लास में फाउंडेशन में पढ़ाया था, इंटर में 2 क्लास में हो जाएगा, क्योंकि अब वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाना नहीं पड़ेगा, मेन वो एनुइटीज, सिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, वो सब सिखाना, तो वो यहां सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये चैप्टर से मार्क्स कुछ नहीं है, बट ये चैप्टर नहीं सीखेंगे तो अगला चैप्टर नहीं सीख पाएंगे, विच इज कैपिटल बजटिंग। दिस चैप्टर हैज नो मार्क्स, तो इसलिए बुक में भी नहीं है, बट इसको मैं कराता हूं 2 क्लास में। लास्ट क्या बताइए, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजट। डन भैया, ये सेट कितने नंबर का आएगा, करीब करीब 16। ये सेट कितने नंबर का आएगा भैया, करीब करीब 20।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड के अंदर एक ही चैप्टर है, कौन सा? डिविडेंड पॉलिसी। भैया ये कितने मार्क्स का आएगा? करीब करीब 6। कितना हो गया टोटल करो, 42। कितना बच गया? 72 का पेपर है, 30 पूरा एनालिसिस है। इसमें क्या क्या आएगा भैया? सबसे पहला चैप्टर जो आपने देखे थे क्या था? लेवरेज। भैया होता क्या है, बाद में सीखेंगे ना, हड़बड़ी क्या, इसको छोड़ के तो बाकी सब समझ में आ ही गया था। और क्या था भैया? मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स या डेटर्स। और क्या था भैया? मैनेजमेंट ऑफ कैश। और क्या था भैया? वर्किंग कैपिटल। और क्या था भैया? रेशियो एनालिसिस। देर इज अनदर चैप्टर कॉल्ड लीजिंग विच इज अगेन प्रोक्योरमेंट डिसीजन, बट वो सिलेबस से हटा दिया। ये है अपना पूरा सिलेबस ऑफ FM। डन है। अपने स्टार्ट किससे करेंगे भैया? अपने स्टार्ट करेंगे प्रोक्योरमेंट डिसीजन से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टेट में हुआ है तो अपने यहां स्टार्ट करेंगे पहले प्रोक्योरमेंट डिसीजन से, फिर अपने चले जाएंगे एनालिसिस में, फिर अपने करेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, और आखिरी में करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ठीक है। चलिए अब मेरे को एक बात बताइए, इस पूरा में इकोनॉमिक्स कितने पार्ट का हुआ फिर? 4। क्या क्या? वेरी गुड। नेशनल इनकम, वेरी इजी। पब्लिक फाइनेंस, फिर मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड। ईच अप्रोक्स 8 से 12 नंबर, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी कितने मार्क्स का है? 48। तो 12 नंबर का रहेगा, 48 मार्क्स का है। करना सिर्फ 40 है, तो मतलब अप्रोक्स 12 मार्क्स ईच। एनआई, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, आपको टोटल 5 किताब दिए जाएंगे। 1 किसका? FM का। और 4 किसका? इकोनॉमिक्स का। और टोटल करीब करीब 12-11 मेरे पास चार्ट्स है। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने इकोनॉमिक्स कितने पन्ने में समअप किया है? 30। वैसे मैंने FM के हर चैप्टर को एक एक पन्ने में समअप किया, एक एक पन्ने में। तो आपको मैं बता दूं, ये समरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको? कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ कैश। थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है यहां पे, बट आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, बोल मेरे हैं, लेख मेरे नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके आपको हर चैप्टर का मिलेगा। ये तो पूरा काला ही हो गया, यहाँ रेड कलर का है, ये अगेन येलो कलर का है, ये अगेन रेड कलर का है, ये लीजिंग का आ गया, अब घट गया। ये रेशियो एनालिसिस है ग्रीन कलर का, ऐसे कैपिटल बजटिंग पिंक, मजा आया होगा देख के। रिस्क एनालिसिस ब्लू, ऐसे डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल, हर एक चैप्टर का आपको समरी बना के दिया गया है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपको दिखाए हैं। आपको ये सब चैप्टर्स के शीट्स मिलेंगे, और ये एक बुक में मिला होगा आपको, अलग अलग नहीं मिलेगा, एक बुक बना दिया इस टर्म से, तो आपको किताब में मिल जाएगा वो। तो देयर विल बी टोटल 6 बुक्स। डन हो रहा है बात आपको? ये वाला बुक कलरफुल रहेगा आपके लिए, डन। बट मैं बार बार बोलूंगा, आपको हमेशा अपना समरी बनाना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, चाहे कोई भी पेपर। मैं हमेशा बोलूंगा, ये तो मैंने करके दे दिया, क्योंकि मेरा आदत वही था समरी करना। हम वैसी पढ़ाई कर सकते थे एग्जाम से पहले, वरना मेरे से पढ़ाई नहीं होता था। क्योंकि हम लोग तो, तुम लोग तो फिर भी अभी कर रहे हो ये सब चीज। जब हम एक्चुअली कर रहा था ना, तब 1000 पन्ने का एक किताब होता था एक पेपर में, और एग्जाम से पहले एक दिन में रिवाइज करना होता था। पता आपको हम इस 1000 पन्ने को कितना में राउंड ऑफ किया था? 14। लिटरली 14 पेजेस में मैंने सम अप किया था, और एग्जाम से पहले सिर्फ 14 पन्ना पढ़ के जाता था। 8-8 दिन में पढ़ाई करता था, 14 पन्ना में सम अप कर देता था, और वैसे करके 8 पेपर क्लियर कर लिया था। और यही ड्यूरिंग आर्टिकलशिप के दौरान ये सब चीज हो सकता है।
और ये सब के लिए ट्यूशन नहीं लेना पड़ता, ना आपको लेना पड़ेगा कभी, चाहे सीएफए करो चाहे कुछ करो, हम है, चिंता का बात नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना होगा अगर आप पे मन है तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज समरी करना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको मेरा कॉपी दिखाऊंगा, अगर पढ़ा है तो यस इट इज देयर। भाई आपका कौन सा कॉपी है? मैं 2012 में आईपीसीसी दिया था, ये 11 का कॉपी है, 2011 का मेरा, नवनीत मुंद्रा। और पता है कितना बढ़िया से लिखा हुआ है, पहला कॉपी ग्रीन कलर का था, क्लासमेट का, वो अभी नहीं है। सेकंड कॉपी मेरे को मिला, मेरा एफएम कॉपी 2 आईपीसीसी, देखो कैसे लिखा हुआ है, वीक 9 डे 17 मंडे को, रेशियो एनालिसिस का फोर्थ क्लास हुआ था, 2 सम्स होमवर्क मिला था, वो हम बनाया। वीक 9 डे 18 वेनेसडे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्लास, इसमें 2 टॉपिक सीखे थे, 2 सम्स किए थे। वीक 10 19th डे मंडे को ये किए थे, ये सब मेरा लिखा हुआ था ऑलरेडी, ताकि मेरे को ये याद रहे कि हम किस दिन क्या पढ़े हैं। इतना डेडिकेशन तो दिखाना होगा। ये मेरा एक एफएम का कॉपी मैंने ला के रखा है आपके लिए एग्जाम्पल के लिए। भैया ये कोई सिखाया था आपको? बिल्कुल। और उन महान हस्ती का नाम है, वो मेरे आइडल है और मैं उन्हीं के कारण आज पढ़ाने आया हूँ, एंड हिज नेम इज आलोक चक्रवर्ती। सुने होंगे, कॉस्ट के एक टीचर हैं, हाजरा साइड पढ़ाते हैं। अभी तो उनका तबीयत बहुत खराब है तो वो एक एक बैच लेते हैं, बट ही वॉज माई आइडल और वो मेरे को सिखाए, नवनीत ऐसे कर बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी पढ़ाना चालू किए थे सबसे पहले उन्हीं के पास गए थे, सर स्टार्ट कर रहे हैं, बोले कर कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार से जब कोर्स चालू किया तो एक ही बात बोले सर को, सर जय माता दी आपका ही सब्जेक्ट ले लिया, बोले कोई दिक्कत नहीं है तुम पढ़ा, हम है। तो जो भी है आज हम उनके वजह से है, और ये पढ़ाने का टेक्निक भी मैं उन्हीं से सीखा हूं। बहुत ही सही सर थे और वो मेरे को एक ही बात बोले, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा लाइफ में। तो हम तो इस हिसाब से वर्क करता है, अगर आप भी डे वन से मेरे साथ रहेंगे तो देखना अपने मिलके सब कुछ कर लेंगे, डन है आपको बात। और वो एक लड़का बहुत मेहनत किया, काफी लोग आपको मालूम होगा, मैं खुद बोलता हूं मैं अपने यहाँ का इंटर का रिजल्ट से खुश हूं, मैं अपने यहाँ का फाउंडेशन का रिजल्ट से खुश नहीं हूं, और आप फाउंडेशन वाले ही बैठे कई लोग, तो मैंने वही बोला था, मैं नवीन क्लासेस का इंटर का रिजल्ट से खुश हूं बट फाउंडेशन का रिजल्ट से खुश नहीं हूं, क्योंकि इंटर में कई अनएक्सपेक्टेड लोग भी मेहनत करके निकाले और एक तो रैंक भी आ गया बहुत अच्छा, बट मेरे को उससे मतलब नहीं। आप कहीं देखे नहीं होंगे कि हम प्रचार करता है सब चीज का, नाम को पसंद है, हमको एक ही बात पसंद है, जो डिजर्विंग थे वो पास हो जाए, और मेरा कोशिश यही रहेगा सब डिजर्विंग बन जाए और सब पास हो जाए। बट अगर आप लिंक तोड़ दोगे मेरे से तो आप नहीं चल पाओगे। प्लीज हमेशा साथ देते रहना और मेरे को रेगुलर तंग करते रहना, करोगे तो निकाल दूंगा, डन है। चलिए, तो आपको डिसिप्लिन लेना बहुत जरूरी है। अब अपने लिखते हैं 3 बात आज का। सबसे पहला क्या बताया था? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, हेडिंग दीजिए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। सेकंड नंबर पॉइंट, सिलेबस समझा दिया, सेकंड नंबर पॉइंट क्या लिख रहे हैं? फंक्शंस ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स बीइंग 1 hour 12 minutes यू आर स्टडी विदाउट ब्रेक। हाँ भैया ये एवरेज ड्यूरेशन कितने का रहेगा? 2 घंटा से 2 घंटा 10 मिनट, जिस दिन 2.5 घंटा पढ़ लोगे उस दिन लंच मेरे तरफ से रहता है, ये मेरा नियम है, ठीक है ना, कभी नहीं बेवकूफ बना है। पिछला क्लास 2 घंटा 12 मिनट में खत्म हो गया था, हाँ चुप रहे। 2.5 घंटा जिस दिन इस वीडियो में हो गया, पिछला बैच में 3 दिन हुआ था, तीनों दिन ये लोग बेशरम लोग झुका नहीं मेरे से, खा के रहा माना। तो 3 दिन जिस दिन भी आप जब भी 2.5 घंटा क्रॉस कर देंगे, लंच विल बी फ्रॉम माय साइड, आपको कोई दिक्कत नहीं देना उस दिन। हाँ डोमिनोज पिज्जा हट यही सबसे मंगाऊंगा, कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। तो लंच मेरे तरफ से रहेगा, बाकी आपको तैयार रहना है, 2.5 घंटा जिस दिन हो जाए मजा आएगा। चलिए, होता है वो होगा, किसी किसी दिन होगा उस दिन आपको डोज मिल जाएगा। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिख रहे हैं? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर लिखना। देयर आर मेनली 2 मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, 2 मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, मेन फंक्शंस यही लिखना पड़ता है थ्योरी में अगर आता है तो। पहला क्या, पहला क्या,
इस बार सही से लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड का मतलब भैया, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड का मतलब भैया पैसा कहां लगाना है, मतलब पैसा को कहां इन्वेस्ट करना है, एकदम सिंपल सा बात, ठीक है। एंड नंबर टू, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब प्रोक्योरमेंट का मतलब पैसा कहां से प्रोक्योर करना है या फिर उठाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। एक एक करके बात करेंगे एक एक के बारे में। थर्ड नंबर पॉइंट क्या सिखाया? नहीं, मैं थर्ड नंबर पॉइंट बोला, मेनली टू ऑब हो गया, अब क्या लिखेंगे थर्ड नंबर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। क्या है ऑब्जेक्टिव बताएंगे? वेरी गुड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान लिखना, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में ज्ञान बोलता हूं, हाँ इंग्लिश फ्रेमिंग आप लोग का अच्छा है, मैं सुनो तो वो तुम लोग कर लोगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, मेनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने किसका वेल्थ के बारे में बात करेंगे, या कंपनीज, कंपनीज का वेल्थ रिफ्लेक्ट किससे होता है, शेयर प्राइस। लिखिए लिखिए, अ कंपनीज वेल्थ इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स, अ कंपनीज वेल्थ इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स शेयर प्राइस, या आप लिखो वर्ड मार्केट शेयर प्राइस, क्या लिखे, मार्केट शेयर प्राइस। डन है बात आपको, पक्का? तो अपना क्या मोटिव रहेगा, शेयर प्राइस को मैक्सिमाइज करें, जिसको शॉर्ट में क्या बुलाते हैं मालूम, एमपीएस, क्या बुलाया जाता है, एमपीएस, सोचो फुल फॉर्म, मार्केट प्राइस पर शेयर लिख सकते हो, क्या बुलाया जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अपना मोटिव रहेगा एमपीएस जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया, डन है। बट एक्चुअली एमपीएस के साथ साथ अपने को नंबर ऑफ शेयर्स भी इंटू करके क्या बुलाया जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या टोटल क्या बुलाया जाता है, तो एमपीएस इंटू क्या बोलिए, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू टोटल मार्केट वैल्यू, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटल मार्केट वैल्यू या टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू। ये अपना एम रहेगा कि पूरा पूंजी जितना हो उतना ज्यादा हो, आगे बढ़े। चलिए पॉइंट नंबर बी क्या था, वेरी गुड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगला मोटिव क्या है भैया, प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो ही तो वेल्थ बढ़ेगा। हाँ, वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन। प्रॉफिट किससे झलकता है मालूम आपको, ईपीएस से, क्या वर्ड बोला, अर्निंग पर शेयर, कैसे निकलता है वो मैं सिखाऊंगा, एक बार लिख के रखो ईपीएस, क्या बुलाते हैं, अर्निंग पर शेयर, यानी प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इसको ज्यादा से ज्यादा करने का कोशिश करना, बोलो डन है। चलिए चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अपने को लिखना है, अब एक एक करके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योरमेंट और उसमें क्या क्या आता है, और व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट उसमें क्या क्या आता है। बट उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अब अपने जाने वाले हैं धीरे धीरे चैप्टर में, बट उससे पहले एक बेसिक सीखना होगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं, विच इज नंबर वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, एनी वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, ब्रॉड हेड देना, छोटा छोटा मत बताना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देर आर मेनली टू थिंग्स, सबसे पहले या तो खुद का या बाहर का, ओन्ड कैपिटल या बोरोड कैपिटल, अपने धंधा किससे कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या कहा था, मेरे पास सेविंग्स था वो यूज कर लिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बाहर से ले लिया, पापा से, बाहर हो गए पापा भी। तो भैया अपने को यह ध्यान रखना है, दो तरीके से पैसा आ सकता है घर, कोई भी बिजनेस में, कहां से, खुद का या बाहर का। चलिए लिखते हैं, टू टाइप्स मेनली, क्या क्या, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल,
ओन कैपिटल को कंपनियां क्या बुलाती है मालूम? वेरी गुड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम से जाना जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। आप लोग सीखे होंगे अकाउंट्स में भी शेयर होल्डर्स फंड बोल के, जब आप लोग वो एसेट लाइफ वो कुछ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हो तो सबसे पहले लिखते हो ना शेयर होल्डर्स फंड, कुछ किए हो शायद ऐसा, बस वही, उसको क्या बुलाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। वर्ड इक्विटी लिखा, शेयर होल्डर फंड नहीं लिखा, इसका मतलब कौन नहीं आता? प्रेफरेंस कहां आते हैं? बोरोड कैपिटल में। प्रेफरेंस को बोरोड कैपिटल बुलाया जाता है क्योंकि वो मालिक नहीं होते। मालिक कौन होते हैं? इक्विटी। मालिकाना हक इक्विटी का है, प्रेफरेंस का भी है कहीं कहीं। तो अगर एफएम बोलता है, एफएम उसको कहां लेके जाता है? बोरोड में। बोलता है इनको बोरोड फंड बोलेंगे। क्यों पता? क्योंकि ओन कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रिटर्न नहीं मिलता, बट बोरोड कैपिटल को फिक्स रिटर्न मिलता। समझ में आया वर्ड? फिक्स रिटर्न मतलब, फिक्स रिटर्न मतलब, वेरी गुड वेरी गुड। लॉस भी हो तो पैसा देना पड़ेगा। या प्रेफरेंस को भी क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है, भले ही अभी मत दो, बाद में तो देना पड़ेगा। उनको उनका पैसा वापस चाहिए विथ ब्याज, विथ ब्याज या विथ डिविडेंड। डिविडेंड किसको बोलते हैं? प्रेफरेंस में। ब्याज किस में बोलते हैं? बोलो, इन डिवेंचर्स में। तो बोरोड कैपिटल को दो पार्ट में ब्रेक करो, क्या क्या बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इनको एलटीबी बोल देता हूं। सोचो, लॉन्ग टर्म बोरिंग सब आ गया इसमें, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, सब को क्या बोल दिया? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डन है यहां तक बात? इनको क्या दिया जाता है? वेरिएबल रिटर्न। इनको क्या दिया जाता है? फिक्स्ड रिटर्न। और इनको भी क्या दिया जाता है? फिक्स्ड रिटर्न। किस नाम से? यहां डिविडेंड, यहां डिविडेंड, यहां इंटरेस्ट। सुना हुआ आप लोग का ये सब टर्मिनोलॉजी? तो डिविडेंड, डिविडेंड और इंटरेस्ट। डन, इतना लिख लिए। चलिए अब एक आदमी बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अरे यार, हाँ शर्ट बन गया। चुप रहे। ओ, बाल तो जरूरी है। बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अब मजाक नहीं, सुनो, फिर सुनता नहीं है ये, सिर्फ बोलता है। सुनो, तुम्हारी तरह है ये आदमी, एक इन्वेस्टर है, ठीक है? इन्वेस्टर व्यू पॉइंट, यानी यही लोग होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर और डिबेंचर होल्डर के लिए सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है? सोच के देखना, सोच के देखना, सोच के देखना। मैं रिस्क व्यू पॉइंट से सोच रहा हूं। रिस्क, एक इन्वेस्टर के लिए रिस्की सबसे ज्यादा कौन सा है? क्यों? वेरी गुड वेरी गुड, आप सही सोच रहे हैं कि उसमें पैसा मिले नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है, बट अगर रिस्क लिए हैं तो मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसी है। तब फिर भैया रिस्क लिए हैं तो मतलब जब मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, क्या डरने बात? यानी कमाएंगे तो बहुत हैवी कमाएंगे, और लॉस खाएंगे तो हैवी लॉस खाएंगे। और यहां पे क्या होगा? ठीक है, फिक्स्ड है तो मोटा मोटी, बट इसमें भी पता ना कभी डिले हो सकता है, तो ये मॉडरेटली रिस्क है। और इसका नो रिस्क है या वेरी लो रिस्क है? वेरी लो, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट विजय माल्या जैसा हाल है तो बात अलग, अदरवाइज बैंकक्रप्सी हो जाता है तो बात अलग, अदरवाइज इनको तो पैसा इनका मिलता ही मिलता। तो रिस्क व्यू पॉइंट से सोचे इन्वेस्टर के, तो सबसे ज्यादा रिस्की क्या हो गया? ये मॉडरेट, और ये क्या हो गया? लो। हाई, मॉडरेट और लो। अगर इनका रिस्क ऐसा है तो इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका ज्यादा होगा? वेरी गुड, मैं सोचूंगा कि यहां से जितना कमाऊं ज्यादा कमाऊं, यहां से वही मॉडरेट और यहां से लो। बोलो, समझ में आ रहा? तो इसका मतलब रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड।
क्या डरने बात, रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। ये किसके व्यू पॉइंट से सोच रहा हूं, चलिए गेट भी देना होगा। ये कौन है, कंपनी, ठीक है, थोड़ा सा समझो, हाँ कंपनी, कोशिश कर रहे हैं बस करने का। अभी जो कंपनी है, ये कंपनी के लिए सबसे रिस्की कौन सा है, सोच के देखो। लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्यों, उसका कंपलसरी पेमेंट करना है, उसका कंपलसरी पेमेंट करना, उसका कंपलसरी पेमेंट करना है, तो इनका एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो गया क्या, इनके लिए तो खर्चा है, वो क्या होगा। अरे पगला लोग, उसके लिए ये क्या है, हाई रिस्क, तो उनका कॉस्ट क्या होगा, कम। अरे रिटर्न थोड़ी बोल रहा हूं, कॉस्ट बोल रहा हूं, इससे मिलाओ ना, क्योंकि रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो खर्चा कम सहूंगा, खर्चा कम सहूंगा, समझ में आ रहा, खर्चा के बारे में सोचा, कमाई के बारे में नहीं सोचना। अगर मैं यहां रिस्क ले रहा हूं, क्या कि कुछ भी हो जाए तुमको पैसा वापस दूंगा, तो मैं उसको पैसा भी क्या दूंगा, कम दूंगा ना, क्योंकि अच्छा ये ठीक इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये भी तो सोच लो, इन्वेस्टर अगर यहां पे लो रिटर्न मांग रहा है तो कंपनी के लिए वो लो कॉस्ट हो गया, समझ में आ रहा है आपको बात, तो यहां क्या होगा, लो मतलब इस बार रिटर्न, रिटर्न लिखा कि कॉस्ट लिखा, तो भैया ये मत सोचना रिस्क और रिटर्न के बीच में आप रिलेशन निकाले, हम रिस्क और किसके बीच में इस बार लिखा है, कॉस्ट, ठीक है। यहां क्या रहेगा बोलिए ना, लो रिस्क, क्यों, कंपनी के लिए रिस्क है ही नहीं, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बट इसीलिए उनके लिए इसको प्रोक्योर करने का कॉस्ट भी हाई होता, क्योंकि कोई देना नहीं चाहता फिर, और देंगे तो बेसी मांगेगा, समझ में आ रहा है, एक वो एक ट्रेड ऑफ दिखेगा कि वो चाहेगा ये मिले, वो चाहेगा ये मिले, तभी तो सब मिक्सचर रहता है सबके पास। इधर क्या रहेगा, अगेन मॉडरेट और मॉडरेट, हाई लिखना चाहिए था, हाई, मैं प्रेफरेंस लेना देना नहीं है, ये एकदम बीच वाला है, अपने को बाकी दोनों से एक्सट्रीम पोजीशन से समझना है कुछ। क्या समझ में आया आपको, बताइए, एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहेंगे, आप किधर पैसा लगाओ, क्या चीज बाबू, बहुत अच्छा बात बोल रहा, बता क्या मतलब, चाहता क्या है, मैं बोलूं इन्वेस्टर है कैसा उस पर डिपेंड करता, मतलब है कैसा से मतलब आपका भैया, क्या उसको रिस्क लेना अच्छा लगता है कि वो रिस्क से डरता है। दो टाइप के पीपल होते हैं, रिस्क लवर्स, क्या बुलाते हैं, रिस्क लवर्स, और एक को बुलाते हैं रिस्क एवर्स, जो रिस्क से डरते हैं। तो जो रिस्क से डरते हैं वो क्या कोशिश करेंगे, डिबेंचर्स उठाए, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इक्विटी में लगाए। मतलब ये व्यू पॉइंट इन्वेस्टर का हो गया, कंपनी क्या चाहेगा, कंपनी क्या चाहेगा, सोच के देखना, एकदम सोच के देखना, नहीं नहीं वोटिंग पावर नहीं, कंपनी को खर्चा के व्यू पॉइंट से बताइए क्या चाहेगा, सबसे कम खर्चा लगे भाई, तो वो क्या चाहेगा, किधर से पैसा उठाए, डिबेंचर से, वो कहां से उठाना चाहेगा, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। तो हर एक कंपनी चाहेगा उसके कंपनी में क्या रहे, डिबेंचर रहे, क्योंकि उसका क्या है, कॉस्ट कम। तो भैया सारे कंपनी लोन लेके क्यों नहीं काम कर लेते, इक्विटी इशू ही क्यों करते हैं, बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं 1 करोड़ मांगने गया पिताजी से, हड़केंगे पहले तो, क्या किस लिए चाहिए, हम बोला ठीक है चाहिए चाहिए, दीजिए, कंपनी खोल रहा हूं, 1 करोड़ रुपया चाहिए, बोला चलो दिया 12% ब्याज में इस बार। अगले दिन हमको 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ लगेगा, तो पापा क्या सेम ब्याज में देंगे कि बेसी ब्याज मांगेंगे अब, क्यों, धीरे धीरे रिस्क बढ़ने लगा डिबेंचर में भी, अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा डिबेंचर में भी रिस्क बढ़ेगा। पापा बोले 12 नहीं 15 लगेगा, मैं बोला ठीक है दे दो, 5 करोड़ चाहिए, पापा बोले 15 नहीं 18 लगेगा, हम बोला ठीक है, वहीं हम क्या सोचेगा, प्रेफरेंस कितने में मिल रहा है, मैं क्या सोचूंगा,
प्रेफरेंस कितने में मिल रहा है। सामने वाला बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर खरीदूंगा 16% चाहिए, कितना चाहिए, डेट कितना से चालू हुआ था 12, बट एक लिमिट आएगा जब वो एक्सीड करते करते प्रेफरेंस को क्रॉस कर देगा। अगर मैं अमाउंट, मैं अगर डिबेंचर से ही लेते रहूं दिक्कत नहीं है, 12% में जब तक मिल रहा है उठाएंगे, ऑब्वियसली उठाएंगे, जैसे ही वो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा और किसको क्रॉस कर जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम रहने दे हम किससे ले लेगा, तो प्रेफरेंस का कंपोनेंट आने लगेगा। अगेन प्रेफरेंस के मांगते मांगते भी प्रेफरेंस भी अपना चाहत बढ़ाएगा क्योंकि उसका रिस्क बढ़ रहा है, और एक रेट आएगा जब वो किसको क्रॉस करने लगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विटी आ जा। यानी कंपनी को एक मिक्स एंड ब्लेंड रखना होता है हर चीज का। दूसरा बात, ये इतना इजीली मिलता नहीं है क्योंकि कोई भी तुमको ऐसे उधारी नहीं देगा, बट अपनापन होता है, ये पैसा इजीली एक्वायरेबल है, ये पैसा इतना इजीली एक्वायरेबल नहीं। तो हम तो चाहते हैं ये मिले, बट मिलता ये नहीं है, मिलता इन सबका कॉम्पोजिशन। बोलो डन है बात आपके लिए? तो भैया हमको मालूम है सबसे कम खर्चा, तो हम तो हमेशा चाहेंगे क्या हो जाए, डिवेंचर से ही सारा धंधा कर ले, बट होता क्या है, सबका मिक्स एंड मैच। इसके कॉस्ट को बुलाते हैं केडी। क्या बुलाते हैं? केडी का मतलब सोचो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोला जाता है? कॉस्ट इज डिनोटेड बाय के, डी इज डिनोटेड बाय डिवेंचर। चलिए ब्रह्मा पावर दिया तुम लोगों को, इसका नामकरण सोचो ना, इसका नामकरण सोचो ना कॉस्ट का, केपी। पक्का सुने थे कभी? नहीं ना, सही सोच रहे हो। तो मतलब इसके कॉस्ट को क्या बुलाते हैं? केपी। केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अब तो बोल ही नहीं पाओगे लास्ट वाला, क्या बोल रहे हो, सच में केई, पहले से पढ़े हुए हो क्या है? तो इसको केई बुलाते हैं। यानी इसके कॉस्ट को केडी बुलाएंगे, इसके कॉस्ट को केपी, और इसके कॉस्ट को केई। क्या कंपनी में तीनों कॉस्ट बियर करना पड़ता है? हाँ। और फिर निकलेगा इन सबका वेटेड एवरेज। क्या निकलेगा? और दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज आर फर्स्ट चैप्टर। बोलो डन हो रहा है आपको मेरा बात, कि क्या सीखने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में? अपने इंडिविजुअल कॉस्ट सीखेंगे और उन सबका फिर वेटेड एवरेज, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन है यहां तक आपको बात? पहले एक बेसिक क्लियर हुआ। इस लास्ट बेसिक को सीखने के लिए अपने को आज का आखिरी पॉइंट सीखना होगा, विच इज, ये उतार लिया आप लोग सब, एवरीवन? भैया हम लोग आदमी नहीं बना रहे, हम लोग इन्वेस्टर और कंपनी लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ये बनाना है बना सकते हो यार, कुछ नहीं, हम ऐसे ही टाइम पास, वैसे आप मेरे जैसे सुंदर नहीं बना पाएंगे। डन है यहां तक? पक्का आगे बढ़ू? चलिए, फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, विच इज, क्या लिखा? इनकम स्टेटमेंट। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग बचपन में ट्रेडिंग एंड पीएल के नाम से जानते थे, फाइनेंस में उसको इनकम स्टेटमेंट का औदा दिया गया और थोड़ा सा फॉर्मेट अलग किया गया और वो फाइनेंस के हिसाब से बनाया गया। देखो कैसे फाइनेंस बोलता है इनकम स्टेटमेंट बनना चाहिए, बैलेंस शीट सेम तरीके से बनता है, और एफएम बोलता है टी फॉर्मेट में बना सकते हो, आपको शेड्यूल 3 फॉलो करने का दरकार नहीं है। ध्यान से सुनना जो अभी बोलूंगा। सबसे पहले धंधा करते ही क्या कमाते हैं? सेल्स, कमाई होता है, ये रिटर्न है, टर्नओवर है कि नहीं? सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। सेल्स से पता है सबसे पहले माइनस करते हैं ऑपरेटिंग खर्चे। कौन से खर्चे? तो दूसरे खर्चे क्या होंगे बताओ? नॉन ऑपरेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, या क्या बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग को, और कोई नाम ट्राई लो, इनडायरेक्ट, नो, अबनॉर्मल, नो। अच्छा ऑपरेटिंग का मतलब डे टू डे ऑपरेशन में जो लगता, उसको छोड़ के और क्या क्या खर्चा लग सकता है? मैं बताऊं, फाइनेंशियल खर्चे। क्या बुलाते हैं? फाइनेंशियल खर्चे। एफएम को तो किससे मतलब है? फाइनेंस का कॉस्ट से और ऑपरेटिंग कॉस्ट से। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहले डिडक्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग खर्चे। अच्छा ऑपरेटिंग खर्चे दो पार्ट में ब्रेक किया गया, एक वेरिएबल
और एक फिक्स्ड कॉस्ट में सीखोगे ये, एक क्या होता है वेरिएबल और एक क्या होता है फिक्स्ड। वैसे वेरिएबल का मतलब विच वेरीज विथ नंबर ऑफ यूनिट्स, और फिक्स्ड का मतलब विच डज नॉट वेरीज विथ नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या, चाहे कितना भी स्टूडेंट्स आ जाए रेंट तो उतना ही देना होगा, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो उतना ही लगेगा, तो उस वजह से वो सबको क्या बुलाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। बट मेरा नंबर ऑफ बुक्स जो इशू होगा वो मेरे लिए क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट। क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, एंड द थिंग विच वी गेट आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बुलाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि धंधा सबसे पहले यह कॉन्ट्रीब्यूट करके देता। कोई भी धंधा करोगे सबसे पहले तुम यही कोशिश करोगे कि तुम्हारा वेरिएबल खर्चा उड़ जाए, अदरवाइज तुम धंधा करोगे ही नहीं। अरे अगर कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव आ रहा था, एक बात सोचो, यू आर अनेबल टू रिकवर एनी पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा लाइन समझ में आया? बचपन में इकोनॉमिक्स में इसको बोलते थे शट डाउन पॉइंट, बचपन में इकोनॉमिक्स में इसको बोलते थे शट डाउन पॉइंट, व्हेन यू आर अनेबल टू रिकवर एनी पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि अगर यही नेगेटिव आ जाए तो अभी तक तो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा ही नहीं माइनस किए, तो मतलब धंधा को क्या कर देना चाहिए बंद, क्योंकि आप अपना वेरिएबल खर्चा ही नहीं उठा पा रहे हैं, यानी आप पढ़ा के बुक्स का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रहने दीजिए। बोलो डन है आपको बात? तो ये इसके बाद क्या डिडक्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एंड यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या नाम दिया गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्यार से FM बुलाता है EBIT। प्यार का भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा EBIT, फुल फॉर्म ट्राई लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, हम टीचर है हम शॉर्ट फॉर्म लिखेगा, ठीक है। वैसे ये शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्टेबल इन एग्जाम है, बट अभी पहला बार है इसीलिए फुल फॉर्म लिखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब क्या डिडक्ट होगा फाइनेंशियल खर्चे। पहला क्या आएगा इंटरेस्ट, क्योंकि इनको सबसे पहले पेमेंट करना होता, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा माइनस होगा। इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट रिलेटेड टू डिवेंचर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब। इसके बाद जो आता है उसको EBT नाम दिया गया। नामकरण का मतलब वेरी गुड, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बुलाया गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब क्या डिडक्ट होगा, ऑब्वियसली टैक्स आएगा सबसे पहले। टैक्स डिडक्ट होते ही, विच इज अ ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं, सही लिखा, क्या लिखा विच इज अ परसेंटेज ऑफ EBIT। अगर ये कमाएंगे तो ही तो टैक्स देंगे, जितना ये होगा उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट आपके नाम, ठीक है। तो डिडक्ट होके क्या आता है भैया ईट, खा मत लेना। क्या बुलाते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, जिसको एक और नाम दिया गया वही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कौन आएंगे, दो लोग और। अब प्रेफरेंस बोलता है टैक्स फैक्स दे दिया तो अब हमको पैसा देना है, पहले टैक्स फैक्स देने के बाद कौन आता है प्रेफरेंस। बट इंटरेस्ट होल्डर यानी डिबेंचर होल्डर कब आता है टैक्स से पहले, बोलता है टैक्स से पहले तुमको मेरे को देना, और प्रेफरेंस क्या बोलता है चलो ठीक है टैक्स फैक्स दे दे उसके बाद हमको दे, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत मालिकाना हक होता है और ये बाद में आते हैं, ठीक है। बताइए माइनस क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। दो टाइप के डिविडेंड होते हैं इसलिए मैं क्या लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड। ये माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बहुत ही सुंदर नाम दिया गया, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फुल फॉर्म ट्राई लेंगे आफेश। वाओ 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 वाओ, मतलब भैया इतना प्यारा नाम, ये तो अपने आप में ही एक नाम है, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं आप आफेश। फुल फॉर्म बोलूं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बुलाया गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आफेश। सुंदर लग रहा है, रॉयल नाम है कोई, काश मेरा भी नाम यही होता।
आफेश, लिख लिए क्या? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, पूरा लिखेंगे, हाँ पूरा लिखेंगे, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बाद क्या होता है? ये पैसा है मालिकों का, मालिकों को पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? जो मिल जाता है उसको बुलाते हैं इक्विटी डिविडेंड, जो मिल जाता है उसको क्या बुलाते हैं? इक्विटी डिविडेंड। ये मिल गया मतलब लो बांट दिए तुम लोग को, और जो नहीं मिला, और जो नहीं मिला वो सब कहां चले जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बचपन में आप लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे ना, अरे आप लोग बचपन में तीन चीज बनाते थे, पीएल, उससे पहले ट्रेडिंग, और नीचे बनाते थे एक पीएल एप्रो, ध्यान होगा पीएल एप्रो आप यहां से बनाते थे, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आप प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते थे इस तरफ, प्रपोज्ड डिविडेंड लिखते थे, और फिर जो बचता था उसको कहां ट्रांसफर कर देते थे? बैलेंस शीट में, है ना, वही चीज है ये, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ध्यान है ना, कैपिटल के साथ ऐड करते थे, ड्रॉइंग्स माइनस करते थे, ऐसा कुछ करते थे, बस वही वही वही। बोलो ये पूरा बात समझ में आया आपको? इसको क्या बुलाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे निकलता है आपको मालूम है? फेस वैल्यू पे। अगर रेट दिया हुआ है तो किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस पे नहीं। वैसे ही डिविडेंड, फेस वैल्यू, डिविडेंड, फेस वैल्यू। अगर रेट्स दिया हुआ है, इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये सब ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट क्लास आपको इसके ऊपर एक सम्स करवाऊंगा, डन है, ताकि आप लोग ये पढ़ के आएंगे और सम्स कर पाएंगे। इट्स बीइंग ऑलरेडी 1 hour and 40 minutes यू आर स्टडिंग। मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं आपको विजय माल्या के ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों को नहीं देखना, देखा हुआ है ना? हाँ देखा हुआ है, एक और बार देख लो, तो एक बार और देख लो विजय माल्या के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। विजय माल्या कितना चीज लेके भागा था? कितना रुपया लेके भागा? 9000 करोड़, याद है कितना? मैंने आपको बोला था ये एक एक जन का रुपया लेके गया, क्योंकि इसके वजह से अपने लोग को नुकसान हुआ, ये अपना कॉमनवेल्थ था। डिवाइडेड बाई अगर वही कितना 125 करोड़ का आबादी करोगे तो एक एक आदमी का जितना रुपया लेके गया आपको समझ में आ जाएगा, कई कुछ 37-38 रुपीज हर एक आदमी का लेके भागा। इट इज नॉट स्मॉल अमाउंट, क्योंकि आप अपना इंटू कर लीजिए फैमिली मेंबर जितने, तो उतना रुपया अगर कोई और मान ले ना अभी उसका चोटी पकड़ ले। बट ये विजय मान लिया था, ये तो भाग के दूसरा शादी भी कर लिया वहां और अपने कुछ नहीं उखाड़ पाए इसका। बट इसमें सीखने का बात क्या है मालूम? कि वो आदमी इतना होशियार होने के बावजूद कैसे फेल हो गया, बहुत ही तगड़ा रीजन है उसका। आइए आपको बताता हूं, एक मिनट का ब्रेक लीजिए जितने मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ठीक है? आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, बस एक वीडियो दिखाऊंगा एंड इट्स ओवर।